आओ जीवाला मारे घेरे, आओ जीवाला मारे घेरे, आओ जीवाला मारे घेरे, आओ जीवाला मारे घेरे। एक लड़ी परदेश माँ, एक लड़ी परदेश माँ, मुने मुकी ने का चाल्या, आओ जीवाला मारे घेरे। मुने होती नींद लड़ी, तमे सुती मुकी का राते, मुने होती नींद लड़ी, तमे सुती मुकी का राते, जागी जोता पियुजी न पाचे, पछे तो था से प्रभाते, आव जीवाला मारे घेरे, आव जीवाला मारे घेरे। कल कली ने कहूँ छू तमने, आव जो आने की ने, कल कली ने कहूँ छू तमने, आव जो आने की ने, मारा मन ना मनोरथ पुरजो, मारा मन ना मनोरथ पुरजो, श्रींद्रावती लागे चरने, आव जीवाला मारे घेरे, आव जीवाला मारे घेरे, आव जीवाला, आव जीवाला, आव जीवाला मारे घेरे, मारे घेरे, मारे घेरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मारे निसारे मारे, मारे निसारे, फिर चरण को निरखी, रूह को यही लागे रट, फिर चरण
मन को नी रखी, रूह को यही लागी रट, हक कदम हृदय आए, हक कदम हृदय आए, तब खुल गए अंतर पट, खुल गए अंतर
सुख देना लेना रूहों सो और रूहों सो व्यवहार ए अर्स बाते इन जी में कोई बिना रूह न लेवन हारे, कोई बिना रूह न लेवन हारे। कोई काम न और रूहों को प्राणधार सुंदर साहब जी प्राणी सुरक्षा अतीत ने हमारी आत्मा को जागृत करने के लिए श्रृंगार ग्रंथ के रूप में अपना हृदय ही उड़ेल दिया है। यह श्रृंगार क्या है? अक्षरातीत के नख से सिख तक का श्रृंगार, जिससे हमारे लिए मारिफत का द्वार खुलता है। मारिफत का तात्पर्य क्या है? हम अपने अस्तित्व को समाप्त करते हैं। अस्तित्व को समाप्त करने का आशय वैसा नहीं होता जैसे कि संसार में हम समझते हैं। राज्य के प्रेम में हम अपने अस्तित्व को भुला दें। परमधाम में तो कोई वस्तु नष्ट होती ही नहीं, और काल माया के ब्रह्मांड में भी एक सिद्धांत चलता है कि कोई वस्तु पूर्णतया नष्ट नहीं होती, उसका रूप परिवर्तित होता है। परब्रह्म की लादनी शक्ति कैसे समाप्त हो जाए, यह संभव नहीं है। हाँ, जिस तरह से नदी सागर में मिलने के बाद नदी नहीं कहलाती, सागर हो जाती है, वैसे श्रृंगार की वाणी में जिसने गोता लगा लिया और उसके अनुसार अपना आचरण बना लिया, आचरण बनाने का तात्पर्य उठते बैठते सोते जागते केवल नख से सिख तक प्रीतम की छवि बसी रहे, यह तो श्रृंगार का लक्ष्य है। हम संसार में क्यों फंसते हैं? संसार के पदार्थों की तरफ हमारा आकर्षण होता है, हमारी पांचों इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, तो हमारा मन भी बहिर्मुखी हो जाता है। इंद्रियों का राजा है मन। मन में संकल्प विकल्प होते हैं, विचार हैं, जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं, और बाहर के आकर्षण को देखकर, जैसे स्वादिष्ट पदार्थ आ गया तो जीवा आकर्षित होगी, कोमल स्पर्श के लिए त्वचा आकर्षित होगी, मधुर ध्वनि सुनने के लिए कान तरसते हैं, आंखें सुंदर रूप को देखकर पागल सी हो जाती हैं, और इसको नियंत्रित कौन करता है? मन। अध्यात्म यह कहता है कि पांचों इंद्रियों को पांचों विषयों से अलग कर दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, किंतु मन लाखों जन्मों में ये सब कुछ कर चुका है, उसका रस ले चुका है। इतनी सरलता से केवल 5 मिनट आंखें बंद करने से तो भूलेगा नहीं। अब जब चित्त में जो जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं वो प्रेरित करते हैं कि रे मन तू उसको दोहरा, साधना में सबसे बड़ी बाधा यही होती है। यदि ये बाधा हट जाए तो हर कोई परमहंस हो जाए। क्या कारण है कि श्रृंगार ग्रंथ के अवतरण के पश्चात भी सुंदर साथ में चितवनि की प्रवृत्ति नहीं है? इसका मूल कारण यह है कि हमारी आत्मा जिस जीव पर बैठी है वह जीव लाखों करोड़ों जन्मों से विषयों का सेवन करते करते इतना अभ्यस्त हो गया है कि उसको छोड़ना उसके लिए कष्टदायी लगता है। और जब चितवनि में बार बार कहने पर कोई बैठता भी है तो आंखों के सामने अंधेरा दिखता है। पहले तो दिखेगा क्योंकि संसार ही अंधेरे से पैदा हुआ है, किंतु अनंत प्रकाश जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते वह परम धाम कैसे दिखेगा? अक्षरातीत के नक्श से तब की शोभा कैसे दिखेगी जब हमारे हृदय में विरह पैदा होगा, प्रेम पैदा होगा? और इसके लिए नक्श से सिख तक राज्य की शोभा को समझना जरूरी है। इस संसार में हम कैसे रहें इसके संबंध में हर मनीषी की अलग अलग विचारधारा है, लेकिन सत्य तो सर्वदा एक ही होता है। जैसे परमधाम में क्या है कि सुख देना लेना रूहों सो और रूहों सो व्यवहार ये अर्स बातें इन जीमिए कोई बिना रूह न लेवन हार। राज्य को कोई काम नहीं है, परमधाम की आत्माओं को सुख देना और लेना, प्रेम करना, और काम हक को कोई नहीं,
देत रूहों सुख बनाए, वाहिदत बिना हक दिल में और कछुए ना आए। सूरज उगता है, प्रकाश का स्रोत है, तो प्रकाश फैलाना उसकी स्वाभाविक प्रक्रिया है। अक्षरातीत प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, वहदत के सागर हैं, तो उनसे क्या लीला होगी। अक्षरातीत कभी दुख की लीला नहीं कर सकते, उनके पास घृणा नहीं है, वैर नहीं है, विकार नहीं है, तो क्या करेंगे। प्रेम, प्रेम का अर्थ क्या होता है, जैसे सागर उमड़ता है तो लहरों के साथ, मैंने कल की भी परसों की भी चर्चा में इन दृष्टांतों को दिया था। सागर की लीला क्या है, उमड़ना। सूर्य की लीला क्या है, प्रकाश देना। चंद्रमा की लीला क्या है, शीतल चांदनी फैलाना। वृक्षों की प्रक्रिया क्या है, झूमना हवा के झोंकों से, ये स्वाभाविक है। उसी तरह से जिस अक्षरातीत के हृदय में प्रेम के अनंत सागर उमड़ रहे हों, आनंद के अनंत सागर उमड़ रहे हों, शांति के अनंत सागर उमड़ रहे हों, वहदत एकत्व के अनंत सागर उमड़ रहे हों, वो क्या करेगा, अपनी आत्माओं के साथ ही तो लीला करेगा। हम संसार में तरह तरह के संबंधों के बीच में पले रहते हैं। प्रेम तत्व की यहाँ व्याख्या अलग रूपों से होती है। जब हम माता पिता के सामने जाते हैं तो आदर से प्रणाम करते हैं। कई पारिवारिक रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें माता पिता के सामने चुपचाप बैठना पड़ता है, कहीं हंस बोल भी लेते हैं। बहन के सामने प्रेम की परिभाषा अलग हो जाती है, पत्नी के सामने हमारे हृदय की प्रेम की परिभाषा अलग हो जाती है, आचार्य या गुरु के सामने प्रेम की परिभाषा अलग हो जाती है, बच्चे के सामने प्रेम की परिभाषा अलग होती है और जानवर के सामने अलग होती है। एक ही प्रेम अलग अलग भावों में व्यक्त होता है। भाई बहन के अंदर का जो स्नेह रहेगा दूसरे रूप में प्रकट होगा, पति पत्नी का अंदर का स्नेह दूसरे रूप में प्रकट होगा। किंतु परम धाम में क्या है, जैसे उंगली और हाथ दोनों एक दूसरे के अंग अंगी है, हाथ की अंग रूपा है उंगलियां, लेकिन उंगली से हाथ को अलग नहीं कर सकते और हाथ को उंगली से अलग नहीं कर सकते। दोनों को अलग करने का तात्पर्य शोभा बिगड़ जाएगी। उसी तरह से स्वलीला अद्वैत में पर ब्रह्म स्वयं ही अनंत रूपों में सखियों के रूप में होकर, पशु पक्षियों के रूप में होकर, खूब खुशहालियों के रूप में होकर, अनंत परम धाम के रूप में अपने हृदय का प्रेम उड़ेलता है। इसी को कहते हैं प्रेम। संसार में कैसे रहा जाए, योग दर्शन में एक महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र बताया है जिसका भाव यह है कि करुणा, मुदिता और उपेक्षा, तीन सूत्रों पर हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। करुणा कैसे, कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर चल रहा है तो हमें उन पर दया करनी चाहिए कि क्योंकि ये बेचारे अज्ञानता में फंसे हैं, इसलिए तो पाप के रास्ते पर चल रहे हैं, हे परमात्मा इनको सद्बुद्धि दीजिए। मुदिता क्या है, जो समकक्ष हो, यदि हम धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, कोई धार्मिक व्यक्ति यदि मिल जाए तो उसके साथ हमें क्या व्यवहार करना चाहिए, मुदिता, प्रसन्नता का, उसके साथ हमारा स्नेह संबंध अनिवार्य रूप से होना चाहिए। क्योंकि यदि आप किसी धार्मिक व्यक्ति का आप सम्मान नहीं करेंगे, उससे प्रेम नहीं रखेंगे, तो आपका भी उत्कर्ष नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य तो एक सामाजिक प्राणी है। संसार में कोई किसी को देता है, कुछ लेता है, यदि कोई चाहे कि मैं अकेले ही रहूं तो क्या होगा, उसका विकास रुक जाएगा। सृष्टि में ऐसा कोई भी नहीं हुआ है, यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु शिव को भी किसी से कुछ लेना देना पड़ता है, कहीं ज्ञान का प्रकाश लेना पड़ता है, कहीं कुछ करना पड़ता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी वनवासियों की सहायता लेनी पड़ी थी, उनकी सेना बनाकर तब लंका पर उन्होंने आक्रमण किया था। सृष्टि में ऐसा कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक परमहंस को किसी की आवश्यकता नहीं होती है, सर्वशक्तिमान प्रीतम का प्रेम उसको मिल रहा होता है, फिर भी वो किसी के दरवाजे पर जाता है और कहता है भिक्षाम दे। क्यों, क्योंकि ये मर्यादा है। किसी के घर जाकर वो क्या खाएगा, कुछ मुट्ठी अन्न खा लेगा,
एक कटोरा भोज्य पदार्थ ग्रहण कर लेगा, लेकिन एक कटोरे अन्न के खिलाने से उस गृहस्थ का कितना भला हो गया शायद उसको भी मालूम नहीं होता। यदि गृहस्थों के घर कोई जाकर के परमहंस या ज्ञानी व्यक्ति भोजन करना बंद कर दे, तो ये जो कड़ी बनी हुई है अध्यात्म की भौतिकता को जोड़कर संसार में आध्यात्मिकता की सुगंध फैलाने की वो कड़ी समाप्त हो जाएगी। परमहंस अपनी गुफा में बैठा हुआ है, गृहस्थ अपनी कुटिया में बैठा है या अपने महल में बैठा है, तो संसार का व्यवहार कैसे चलेगा? दोनों को मिलना पड़ेगा, गुरु और शिष्य को मिलना पड़ेगा, पिता और पुत्र को मिलना पड़ेगा, भाई बंधु को मिलना पड़ेगा। हम सबसे मिलें जुलें, लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता में कौन होना चाहिए? प्रियतम अक्षरातीत। परम धाम में एक ही अक्षरातीत तो सभी रूपों में है, तो उनकी स्वाभाविक क्रीड़ा है प्रेम। संसार में जब हम प्रवेश करते हैं तो हमें कई द्वंद्वों से होकर गुजरना पड़ता है। कबीर जी ने कहा है, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर। कि संसार में कुटस्थ होकर रहना है, न किसी से दोस्ती करो न किसी से बैर करो, ये बात बहुत अच्छी है। लेकिन किस परिप्रेक्ष्य में? जब आप संसारिक लोगों के बीच में रहते हैं, किसी से आसक्ति रखेंगे तो भी खतरनाक होगा, किसी से वैर करेंगे, दुष्टों से वैर करना भी खतरनाक हो जाएगा। दुष्ट से मित्रता भी घातक है और वैर भी घातक है। इसलिए कबीर जी ने क्या कहा है, सबकी मांगे खैर, सबके लिए शुभकामना करना है, लेकिन न किसी से दोस्ती करनी है न किसी से वैर करना है। किंतु यदि आप ऐसा सोचिए, बीतक में एक प्रसंग आता है, जब श्री जी चलते हैं जागने के लिए, तो रेवादास एक धर्मस्थल में भेंट होती है रेवादास से। कई दिन तक ठहरे होते हैं धामधनी 500 सुंदर साथ के साथ, कुछ नहीं बेचारा बोलता है, सेवा करता है। गोवर्धन जी ने एक सोने की सरफी दी, चल फिर कहता है कि एक और दिलवा दो। गोवर्धन दास कहते हैं, अरे भाई कहो तो मैं तुमको 10 दे दूं, लेकिन यह तो सोच कि ये कौन आए हैं, तो माया लेकर के तू करेगा क्या? मैंने एक मोहर पहले दे दी है, एक और दे सकता हूँ, कई दे सकता हूँ, लेकिन जो अखंड का धन है वह ले लो। अब श्री जी चलने के लिए खड़े हो चुके हैं, चरण पकड़ कर कहता है कि धामधनी मुझे नहीं मालूम था आपके स्वरूप के बारे में, आप चलते चलते मेरा कुछ कल्याण कर दीजिए। तब श्री जी ने ब्रजराज के बारे में थोड़ा सा बताया, स्क्रवत की झलकी दी और कहा कि परम धाम में 7 घाट हैं, कैसे यमुना जी हैं, कैसे मूल मिलावा है, और मूल मिलावा में युगल स्वरूप कैसे सिंहासन पर बैठे हैं, इसका तुम ध्यान करते रहना। चलते चलते कुछ मिनटों में जो हो सका वो उन्होंने बता दिया। आप सोचिए 4 महीने तक किसी से बोलता नहीं है। बाद में किशोर दास जी को पता चलता है, परम धाम की बात सुनकर परम धाम की ब्रह्मात्मा है, और निकल पड़ती है खोज में। दिल्ली में जाकर श्री जी के चरणों में शीश झुकाते हैं, परम धाम का ज्ञान लेकर आते हैं, और वहाँ थाना बनाकर केंद्र बनाकर परम सत्य को उजागर करने लगते हैं। यदि रेवादास को श्री जी के मुखारविंद से ज्ञान का प्रकाश नहीं मिलता तो केशवदास की आत्मा कैसे जागृत हो सकती थी? लेकिन संसार में हमें कैसे रहना है? मैं अभी कह रहा था, करुणा मुदिता और उपेक्षा, बुरे लोगों को जिनका कोई सुधार नहीं हो सकता उनके साथ 2 तरह का व्यवहार करना है, एक करुणा की और उपेक्षा की। उपेक्षा का तात्पर्य कि ये तो सुधरेंगे ही नहीं, आप जा रहे हैं रास्ते में वो कटु शब्द बोलते हैं, आपकी निंदा करते हैं, आप इनसे उपेक्षा वृत्ति रखिए। करुणा, यदि इनमें आधी बुराई है आधी अच्छाई है तो परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे धामधनी आप इनके ऊपर कृपा की दृष्टि डालिए, ये सुधर जाए। न आसक्ति रखिए न घृणा रखिए, लेकिन जो अध्यात्म के संवाहक हैं, आध्यात्मिक भाव वाले हैं,
आपके साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकते, आपके शुभचिंतक हैं, उनके साथ आत्मीयता के कुछ क्षण बिताने चाहिए, इसी में मानव समाज का भला होता है। यदि हर कोई दूसरे से दूरी बना लेगा तो क्या होगा, समाज में ज्ञान का प्रकाश रुक जाएगा, ज्ञान के प्रकाश रुकने से आध्यात्मिकता भी नष्ट हो जाएगी, आध्यात्मिकता नष्ट हो जाने से संसार क्या लगेगा, एक भूत घर लगने लगेगा, संसार में कुछ रह नहीं जाएगा। इसलिए इस संसार में हमें कैसे रहना है, एक तो परम धाम के रहने को आत्मसात करना है, परम धाम में जब हम जो हम करते रहे हैं वही इस संसार में भी करना है। लेकिन प्रश्न यह है कि इस संसार में और परम धाम में अंतर है, परम धाम त्रिगुणातीत है, यह सत्व रजतम का ब्रह्मांड है, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ रजोगुण होगा, कुछ तमोगुण होगा, कुछ सत्वगुण होगा। कितना भी कोई व्यक्ति सात्विक है तो उसको भी कभी कभी क्रोध आ ही जाता होगा, क्रोध ना आते हो तो झल्लाहट आ जाती है, झल्लाहट भी नहीं आती होगी यदि बहुत अधिक साधना के ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है तो, ये तो जरूर होगा कि मन में कुछ न कुछ किसी बात को लेकर खिन्नता अवश्य आ जाती होगी। अब प्रश्न यह है, परमधाम में भूख नहीं लगती, परमधाम में किसी बात की कमी नहीं है, निर्विकार हृदय है सबका, यहां संसार में तो हर पल काम क्रोध मद लोभ अहंकार कब हमें दबोच लें कुछ पता नहीं चलता। आप देखिए मनुष्यों ने क्या कहा है, विषम निहंत भोक्तारम दृष्टारम चक्षुषा अपियम। कोई व्यक्ति है स्वादिष्ट व्यंजन खा रहा है, ऐसा व्यक्ति दूसरा हो जिसको दो दिन से भोजन नहीं मिल रहा है तो खाते हुए को देखकर उस पीड़ित होता है। एक पक्षी जब मांस का टुकड़ा अपनी चोंच में ले जाता है तो कई पक्षी उस मांस के टुकड़े को नोचने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, वैसे ही संसार की कहानी है। विषयों में शांति नहीं है लेकिन संसार का हर प्राणी विषयों को अपने आंचल में समेट लेना चाहता है, उसको लगता है कि यही शांति का द्वार है। ऐसी स्थिति में जहां परम धाम में हर पल प्रेम है, हर पल प्रीतम की सानिध्यता है, यहां सब उल्टा है। यहां हमें आजीविका के लिए 8 घंटे काम भी करने हैं, शरीर को निद्रा भी देनी है नहीं तो शरीर रोगी हो जाएगा। परम धाम में बुढ़ापा नहीं है, मृत्यु नहीं है, रोग नहीं है, वियोग नहीं है, भूख प्यास नहीं है, तो स्वाभाविक है। और हर पल अनंत प्रेम का सागर लहरा रहा हो तो सबके अंदर प्रेम होना तो स्वाभाविक है। काल माया में उल्टी स्थितियों में हमें प्रेम परम धाम की रहनी को लाना होगा। कैसे संभव है, परम धाम के जो नूरी तन है उनमें अनंत प्रेम समा सकता है, कालमाया के ब्रह्मांड में अनंत प्रेम नहीं समा सकता। इसलिए जैसे एक हाथी जितना खाता है एक छोटी सी गाय तो उतना नहीं खा सकती, या बछिया उतना नहीं खा सकती, एक बछिया के लिए एक टोकरी चारा का पर्याप्त है लेकिन हाथी का तो इसे काम नहीं चलेगा। वैसे ही यदि काल माया के ब्रह्मांड में पल दो पल के लिए भी सच्चे हृदय से यदि आप अपने अपना हृदय दे देते हैं, मैं कहता हूं कि यदि आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो 2 घंटे अनिवार्य रूप से सबको चितवनी करनी चाहिए, और तेजी से करना चाहते हैं तो 4 घंटे 6 घंटा कीजिए। जाड़े की ऋतु अब आने वाली है, उसमें 6 घंटे का समय सरलता से मिल सकता है क्योंकि 14 घंटे की रात हो जाती है। 4 घंटे 6 घंटे नहीं कर सकते 2 घंटे कीजिए, 2 घंटे नहीं कर सकते तो 1 घंटे कीजिए, 1 घंटे भी नहीं कर सकते हैं तो आधे घंटे तो आप दे ही सकते हैं। आधे घंटे में भी यदि 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए भी आपका शरीर नख से सिख तक पूरी तरह से शांत हो जाए, आपकी दृष्टि शरीर पर ना जाए, आप परात्म के भाव में डूबे रहे हैं और एकाग्र मन से नख से सिख तक युगल स्वरूप की एक झलक पालें, हो सकता है पूरे नख से सिख तक की शोभा ना आ जाए, केवल चरणों की भी आ जाए, केवल मुखारविंद के भी आ जाए, केवल 1 मिनट के लिए भी, मैं समझता हूं
तो हृदय में इतना आनंद आ जाएगा कि 24 घंटे आसानी से गुजर जाएंगे और हर पल प्रेम की मस्ती बनी रहेगी। इसी को गुरु नानक देव जी कहते हैं, नाम खुमारी नानका चढ़े रहे दिन रैन। अक्षरातीत हर पल अपना प्रेम देते रहते हैं। जैसे सूर्य तो हमेशा प्रकाश देता रहता है। आप कहते हैं कि यहां अंधेरा क्यों हो जाता है? इसलिए कि सूर्य का प्रकाश जब छाया में हो जाता है तो रात्रि हो जाती है। राजी का पल पल प्रेम तो हमारे ऊपर बरस रहा है, लेकिन जैसे सावन की घनघोर घटा मूसलाधार वर्षा कर रही हो और हमने घड़े को उल्टा लटका दिया है तो पानी तो एक बूंद भी नहीं जाएगा। या यदि बर्तन में छेद हो तो पानी तो जा रहा है लेकिन ठहर नहीं रहा है, निकलता जाता है। वैसे ही यदि हम चितवनी करते हैं लेकिन राज्य से ज़्यादा प्रेम किसी और से करने लगते हैं तो राज्य के प्रेम की सच्ची अनुभूति नहीं हो पाती। अभी मैंने कहा था कि संसार में जीवन कैसे जिए, क्या राज्य के प्रेम के नाम पर हम सबको छोड़ दें? मैं सबको छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कहता हूं कि केवल आप यह मानिए कि राज्य हमारे सर्वस्व हैं, हमारे प्राणघन हैं, उनके बिना हमारा अस्तित्व नहीं, और हमारे प्रेम के पात्र वही हैं, हमारे प्रेम पर उन्हीं का अधिकार है। लेकिन इस संसार में हम जिनके बीच रहे हैं उनसे एक शिष्टाचार का व्यवहार अवश्य पालन करना पड़ेगा। हम परिवार के सदस्यों को बार बार यह कहकर अपमानित नहीं कर सकते कि हम तो राजी से प्रेम करते हैं, आपसे हमारा कोई रिश्ता नहीं। इसका परिणाम क्या होगा? यदि आप राजी के प्रेम के नाम पर माता पिता से मुंह फेर लेंगे, भाई बहनों से मुंह फेर लेंगे, आचार्यों से मुंह फेर लेंगे, पड़ोसियों की तरफ देखेंगे भी नहीं, तो इस मानव तन को चलाने के लिए तो सबकी आवश्यकता पड़ती है। किसी से भोजन लेना पड़ता है, किसी से धन लेना पड़ता है, किसी के पास जाकर कुछ बातें करनी पड़ती है, ये सब कुछ निभाइए कीजिए। लेकिन वैसे ही जैसे अनासक्त भाव से आप ट्रेन में चलते हैं, जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंच जाती है तो आप उतर जाते हैं या नहीं रोने लगते कि ट्रेन मुझको छोड़कर जा रही है, क्योंकि आपको स्टेशन पर उतर कर अपने गंतव्य तक जाना है। वैसे ही संसार में जो भी संबंध मिले हैं सभी संबंधों को निभाइए, अपना हृदय दीजिए पूर्ण रूप से, केवल अक्षरातीत को दीजिए, किसी का अपमान न कीजिए। तिरस्कार करके आप आध्यात्मिक जीवन में कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, सबके अंदर आत्मिक दृष्टि को देखिए। आत्मवत सर्वभूतेश या पश्यति स पंडितः, आत्मवत यह भाव रखना कि जो चेतना मेरे अंदर है वही चेतना सबके अंदर है। और जब यह भाव हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा ये जीवन भी सार्थक हो जाएगा, हम अध्यात्म के पथ पर चल भी लेंगे। वाणी क्या कहती है, कोई काम न और रूहों को एक जाने हक इश्क। परमधाम की आत्माएं राज्य के प्रेम के अतिरिक्त कुछ जानती ही नहीं, कि क्योंकि परमधाम में किसी वस्तु की न्यूनता नहीं है। यहां उम्र भी हमारी थोड़ी है, शरीर की स्वस्थता भी थोड़े समय के लिए होती है, पता नहीं कब शरीर में क्या रोग लग जाए, मृत्यु भी पीछे पीछे मंडराती रहती है। परमधाम तो अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा, और वहाँ प्रेम के सिवा कुछ नहीं है। किंतु हमारे मन में जहाँ एक तरफ कहीं प्रेम है तो दूसरी तरफ घृणा भी भरी होती है। सत्वगुण की अवस्था है तो फिर तमोगुण की भी अवस्था आती है, और ये चक्र चलता रहता है। हम किसी से बहुत प्रेम से भी बोलते हैं तो कुछ क्षणों के बाद उस पर क्रोध भी दिखा देते हैं। हम किसी से मिलने में कभी प्रसन्नता अनुभव करते हैं तो कभी देखकर मुंह भी फेर लेते हैं, क्योंकि ये सत्व रजतम के बंधन में मन है, और मन जैसा हमें नचाता है हम नाचने के लिए विवश होते हैं। किंतु परमधाम में अक्षरातीत के ही हृदय के स्वरूप हैं सभी। जैसे मैंने कहा था, सागर जहाँ भी होगा लहराएगा, अपनी लहरों के साथ क्रीड़ा करेगा, वैसे ही अक्षरातीत अपनी आत्माओं के साथ प्रेम करते हैं। जैसे लहरों की क्रीड़ा बंद नहीं हो सकती, उसी तरह से परमधाम में
ब्रह्मात्माओं की अक्षरातीत के साथ प्रेम लीला बंद नहीं हो सकती। इस मायावी जगत में जब आए हैं तो हमें आत्म जागृति के लिए क्या करना होगा? परमधाम में तो कुछ स्थिति अलग है। आठों जाम 64 घड़ी बिना प्रेम नहीं रंजक। परमधाम में अष्टपहर 64 घड़ी प्रेम के बिना एक क्षण भी नहीं गुजरता, लेकिन यहां संभव नहीं है। कुछ घंटे तो हमें सोना पड़ेगा। हम भोजन करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, कोई काम करते हैं तो राज्य को भूल ही जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे सामने प्रश्न यह होता है, एक चौपाई आती है, उठते बैठते सुपन सुवत जागृत दम न छुड़े मासूक को जाकी असल हक निस्बत। वो अवस्था कैसे ले जाए? कुछ सुंदर साथ ने इस अवस्था को लाने के लिए तारतम का पाठ करना शुरू कर दिया। कुछ सुंदर साथ सोचते हैं कि चलते चलते बस राज समाजी करते रहेंगे तो ये होता रहेगा। आप सोचिए, आप नाम भी लेते हैं तो वाणी का विषय है। जिसका नाम लेते हैं उसकी शोभा को बसा लीजिए तो वो भावों में रहेगा। जैसे मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं, मजनू एक संसारी व्यक्ति है, अध्यात्म की पहली कक्षा भी उसको नहीं मालूम है, लेकिन एक लड़की से उसको लगाव है जिसको लैला कहते हैं। श्रृंगार की चर्चा में ये संसारिक दृष्टांत देना उचित नहीं है, फिर भी सरलता से समझ में आने के लिए वो दृष्टांत मुझे देना पड़ रहा है। बकरी चराता है, लैला उसके पास नहीं है, फिर भी क्या कहता है, चल लैला की बच्ची। उसके भावों में लैला बस चुकी है तो उठते बैठते जिधर भी देखता है उसको वही भाव खोए रहते हैं। वो लैला लैला जप नहीं करता, आंखें बंद कर लैला का ध्यान भी नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है? देखिए, जब हृदय में विरह होता है तो प्रीतम की छवि आने लगती है। विरह के आते ही हृदय निर्विकार हो जाता है। जब प्रेम की सुगंधी आ जाती है तो जैसे आप एक फूल को तोड़कर अपने पॉकेट में रख लेंगे तो क्या होगा? जब तक फूल आपके पॉकेट में पड़ा रहेगा सुगंधी छोड़ता रहेगा। वैसे ही आप पूर्ण समर्पण के साथ, शुद्ध हृदय के साथ आधे घंटे, एक घंटे, दो घंटे, तीन घंटे चितवनी की तरफ अपने कदम बढ़ाइए। राज्य की शोभा को जैसे जैसे आप बसाते जाएंगे आपके हृदय में प्रेम की सुगंधि आती जाएगी, और वह प्रेम की सुगंधि ऐसी होगी कि हर पल आपको राज्य से जोड़े रहेगी। आपको जप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जप तो वाणी का विषय है, ठीक है, उसमें मन भी लगा होता है, लेकिन जब हृदय में प्रेम होता है तो बेहोशी में भी जिससे प्रेम होता है उसी का नाम आएगा। एक सुंदर साथ थे, उनको एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट में वो बेहोश थे और बेहोशी में कह रहे थे, हे राजी, हे राजी। डॉक्टर ने सोचा कि भाई ये किसी संबंधी को बुला रहे हैं। उनके अभिभावकों से कहा कि आप राज्य से इनको मिलवा दीजिए, किसी राज्य को पुकार रहे हैं बेहोशी में। अभिभावकों ने कहा कि डॉक्टर साहब, हमें मालूम है कि राज्य कौन है, आप चिंता न कीजिए, आप उनकी चिकित्सा कीजिए। उनका मन मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है, क्यों? किंतु हृदय में जिस प्रेम के लिए स्थान है, हृदय के सिंहासन पर जिसको पहले बैठा रखा है, बेहोशी में भी उन्हीं की याद आएगी। यदि हम ज्ञान दृष्टि से हैं, हृदय में जगह नहीं है, हृदय में प्रेम नहीं है, कितनी भी माला लेकर फेरते रहें, कितने भी घंटों व्याख्यान देते रहें, बिना प्रेम के उठते बैठते सोते जागते कभी ये अवस्था नहीं आ सकती कि हम प्रीतम की तरफ अपनी दृष्टि बनाए रखें। प्रश्न यह होता है कि प्रेम कैसे आए? प्रेम के स्वरूप को हृदय में धारण कीजिए। स्वाभाविक है, मन को जिसका अभ्यास हो जाता है वो उसकी पुनरावृत्ति करते रहता है। यदि मन को बुरी आदत लग जाए, किसी बुरी आदत का चस्का लग जाए तो भी नहीं छोड़ता, और अच्छी आदत का चस्का लग जाए तो भी नहीं छोड़ता। बेचारे मन का दोष नहीं है,
हर कोई मन को दोषी बना देता है, लेकिन मैं कहता हूँ बेचारा मन क्या करे, मन तो एक आपके जीव का कर्मचारी है, उसको जैसा आदेश मिलता है वो करता है। आप मन को विकारों से हटाकर राज्य के प्रेम में लगाइए, आप चितवनी करना प्रारंभ कीजिए। जैसे जैसे चितवनी करते जाएंगे, मन के विकार जो लाखों जन्मों से उसका साथ नहीं छोड़ रहे हैं, धीरे धीरे प्रेम की अग्नि में जलना शुरू हो जाएंगे। एक ऐसी अवस्था आ जाएगी कि उस व्यक्ति से कहा जाए कि तुम 10 करोड़ रुपया ले लो, लेकिन ये चितवनी करना छोड़ दो। यदि वो कई दिनों से भूखा भी रहेगा, पैसे की किल्लत भी रहेगी, सोचेगा कि चलो 10 करोड़ मिल रहा है, क्या परेशानी है चितवनी छोड़ देने से, लेकिन अंत में उसको मना करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेम का रस जिसने पी लिया उसके लिए संभव नहीं है कि चितवनी को छोड़ दे। सारे ब्रह्मांड की संपदा भी मिल जाए तो भी चितवनी का रस जिसको मिल गया, जिसने प्रीतम की मोहनी छवि को अपनी आत्मिक दृष्टि से देख लिया, सारे ब्रह्मांड के राज को भी वो ठुकरा सकता है, लेकिन उसको छोड़ना संभव नहीं है। जैसे कि मैंने अभी कहा, हाथी को ज्यादा भोजन चाहिए और गाय की बच्ची को बच्चिया को थोड़ा सा ही पेट भर जाता है। उसी तरह से मिट्टी का यत्न परमधाम के अनंत प्रेम को तो नहीं संभाल सकता, लेकिन एक झलक भी मिल जाए, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए भी प्रीतम की मुस्कुराती हुई छवि यदि आत्मा के हृदय में अंकित हो जाती है तो पूरे 24 घंटे वो प्रेम की सुगंधि ऐसी भरी रहेगी कि उठते बैठते किसी भी काम में रहेंगे, सोएंगे भी, करवट बदलेंगे भी, तो केवल प्रीतम की पुकार हृदय में आएगी। आपके बगल वाले को पता नहीं चलेगा कि आप राज्य का नाम ले रहे हैं, वो तो सोचेगा कि इनकी आंखें बंद हैं, लेकिन आपकी सुरता प्रीतम के प्रेम को निहार रही होगी, प्रीतम के प्रेम में डुबकी लगा रही होगी। जिस तरह से परम धाम में हम अष्टपहर 64 घड़ी प्रत्यक्ष प्रेम करते हैं, प्रत्यक्ष प्रेम का तात्पर्य क्या है, जब चाहे तब राज्य को हम देखते हैं, जब चाहे तब राज्य हमसे बात कर सकते हैं, हमारे उनके बीच में कोई पर्दा नहीं है, कोई विभाजक रेखा नहीं है, कोई सत्ता की बात नहीं है कि राज्य के पास हम नहीं बैठ सकते, हमें दूर बैठना होगा जैसे इस संसार में होता है, क्योंकि दोनों का हृदय एक है, दोनों के हृदय में प्रेम लबालब भरा है और प्रेम भी बराबर कम अधिक नहीं है। ऐसे परमधाम में जो अनंत प्रेम है, प्रेम का सागर हिला रहा है, उसको यदि हम इस संसार में क्रियान्वित करना चाहते हैं तो मैं सब सुंदर साथ से हाथ जोड़कर ये आग्रह करूँगा कि बहुत समय आपने निद्रा देवी को दे दिया, आप 8 घंटे सोते रहे, 6 घंटे सोते रहे, कई कई घंटे पिक्चरों में भी आप लगाते रहे हैं, वार्ताओं में भी लगाते रहे हैं, अपनी अंतरात्मा के लिए, अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत को रिझाने के लिए कम से कम 1 घंटा और या 2 घंटा युगल स्वरूप के नख से सिख तक की शोभा को देखने में लगाइए, प्रेममयी दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि नहीं। जब चितवनी में बैठिए तो मस्तिष्क को अलग रख दीजिए, आप बुद्धि को कहिए कि वो शांत होकर के बैठ जाए, आप अपने हृदय में केवल प्रेम के भावों से प्रीतम को निहारने का प्रयास कीजिए, तो परिणाम क्या होगा, परम धाम की प्रेम की एक झलक आपके अंदर आने लगेगी। हक जात वहदत जो छोड़े ना एकदम, हक की जात कौन है, परमधाम की आत्माएं, और इनको क्या कहा गया है, वहदत के स्वरूपा कहा गया है। हक जात वहदत जो छोड़े ना एकदम, परमधाम की आत्माएं वहदत को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती हैं। वहदत का तात्पर्य क्या है, शायद हम सुंदर साथ वहदत की परिभाषा केवल बौद्धिक दृष्टि से जानते हैं, व्यवहार में नहीं। कीर्तन में एक प्रकरण आता है, मोमिन लिखे मोमिन को कहो तो आवित, हाय हाय अचरज देखे मोमिनो ऐसा समय हुआ सकत। यह प्रसंग उस समय का है जब मिर्ते के सुंदर साथ ने
राजा राम झांझन भाई ने पत्र लिखा महाराजा छत्रसाल जी के पास कि यदि श्री जी की स्वीकृति हो तो हम आ जाएं, क्योंकि हमारी वृद्धावस्था भी आ गई है, हम भी सुंदर साथ के साथ बैठकर परमधाम का आनंद लेना चाहते हैं। कीर्तन उतरता है कि अब देखिए क्या हृदय इतना कठोर हो गया कि हमें पूछना पड़ रहा है। सुंदर साथ जो आपस में जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं? परिवार की दृष्टि से जुड़े हुए हैं। कुछ लोग धन के संबंध से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग पद के संबंध से जुड़े हुए हैं, कोई किसी पर आकर्षित है, कोई किसी के रूप से प्रभावित है, कोई किसी के पद से प्रभावित है, कोई किसी की कला से प्रभावित है, आत्मा से आत्मा का प्रभाव नहीं है। जिस दिन हम सबको आत्मिक दृष्टि देखने लगेंगे उस दिन हमारी स्थिति कुछ और हो जाएगी। हमसे भूल क्या होती है कि कोई व्यक्ति सुंदर है तो उसे बातें करना हमें अच्छे लगता है, कोई कुरूप है तो उसे हम बगल हो जाते हैं कि अरे क्या बातें करना, करोड़पति से हमें बातें करने में अच्छा रस लगता है, गरीब को हम देकर आंखें फेर लेते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हमारी आत्मिक दृष्टि अभी खुली नहीं है। हक जात वहदत जो छोड़े ना एकदम, प्यार करे माहो माए वास्ते प्यार खसम। एक बहुत ऊंची बात कही है धामधनी ने, प्यार करे माहो माए वास्ते प्यार खसम, राज्य का प्रेम पाने के लिए। परम धाम की सभी आत्माओं में वहां प्रेम है। काल माया के ब्रह्मांड में देखिए, चार मित्र हों तो चार मित्रों में भी सोचते हैं कि कौन किसका ज्यादा घनिष्ठ है। एक पति हो और दो उनकी पत्नियां हों तो दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहती। अरे भाई, जब तुम्हें प्रेम है तो घृणा क्यों? मुझे कैसा संसार अजूबा लगता है। एक परिवार में सास और बहू में नहीं बनती है। बहू का कहना यह है कि पति पर मेरा अधिकार है, इसलिए मेरी सास को यह अधिकार नहीं है कि मेरे पति को भोजन दे, और लड़ाई ठन जाती है। अरे भाई, जिसको तू अपना पति मानती है वो भी तो तेरी सास का बेटा है, उसने पैदा किया, क्या वो भोजन नहीं दे सकती? जब तेरे से विवाह नहीं हुआ था, जब तेरा पति 4 महीने का था, तो उसके मलमूत्र को तू उठाती थी, तेरा भी तो जन्म भी तो नहीं हुआ होगा उस समय। लेकिन संसार, घृणा, रिश्तों के नाम पर संसार में घृणा पाली जाती है। घृणा एक मनुष्य का विकार है। मैंने अभी कहा करुणा मुदिता उपेक्षा, 3 सूत्रों के आधार पर व्यवहार बनाना होगा। बुरे लोगों से उपेक्षा और करुणा की भावना रखिए, क्योंकि उनसे मेल भी करेंगे तो आप दुखी होंगे, बैर करेंगे तो भी दुखी होंगे। हाँ, जो धार्मिक हैं, अध्यात्मवादी हैं, परमात्मा से प्रेम करते हैं, आप उसके साथ धोखा नहीं कर सकते, निष्कपट हृदय है, परम धाम के संबंधी हैं, उनसे आपको आत्मीयता रखनी ही पड़ेगी। प्यार करे माहो माहे वास्ते प्यार खसम। कीर्तन में श्री जी कहते हैं जो जो साथ में प्रेम बढ़ता है, जो जो होत में है साथ में प्रीत, तो तुम मोहि को होत है सुख, जो जो विरोध करत है साथ में अंतवाही को है जो दुख। यदि कोई किसी से विरोध करता है, घृणा करता है, तो अपने लिए दुख की खाई खोद रखता है। श्री जी कहते हैं जो जो प्रीत होत है साथ में, त्यों तो मोहि को होत है सुख। इस संसार में भी आए हैं तो वो यही चाहते हैं कि सब सुंदर साथ आपस में प्रेम पूर्वक रहें। सदगुरु के घनिष्ठता बढ़ने के लिए क्या होता है? कोई किसी की चुगली करता है, दूसरों को नीचा दिखाता है, स्वयं को अच्छा बनना चाहता है, लेकिन वो बेचारा नहीं समझता कि तू अपना सबसे अहित कर रहा है, क्योंकि तेरे अंदर घृणा और द्वेष की चिंगारी लग गई है, और यह चिंगारी हमें मूल स्वरूप से दूर कर देगी। जिस दिन हम सबके अंदर एक आत्म तत्व देखने लगेंगे, मैं ब्रज लीला का एक दृष्टांत देता हूं, उससे समझ में आ जाएगा। श्री कृष्ण के पास राधा आती है, श्री कृष्ण के पास बैठ जाती है, प्रेममयी वार्ता प्रारंभ होती है।
राधा देखती है कि गोपियां दौड़ी चली आ रही हैं। राधा को बहुत बुरा लगता है कि मेरे प्रेम में क्यों खलल डाल रही है, मैं इनको आने नहीं दूंगी। एक रेखा खींच देती है कि जो भी गोपी इस रेखा को पार करेगी वो जलकर भस्म हो जाएगी, क्योंकि राधा को बहुत बुरा लगा था कि मेरे प्रेम में बाधा डालने के लिए क्यों आ गई। कृष्ण राधा की इस कमजोरी को समझ जाते हैं और राधा की अंतर्दृष्टि कुछ देर के लिए खोल देते हैं। राधा को दिखाई पड़ता है कि हर एक गोपी के रूप में वह स्वयं है। चिता तो जल रही है लेकिन गोपियां उस अग्नि की ज्वाला को पार करते हुए कृष्ण के पास पहुंच जाती है। अब राधा को गोपियां नहीं दिखाई दे रही है, हर गोपी के रूप में एक एक राधा दिखाई दे रही है। राधा को अपनी भूल का एहसास होता है कि जिन गोपियों से मैं घृणा कर रही थी उनके रूप में तो मैं स्वयं हूं। हम भी यदि वहदत के इस रहस्य को समझ जाए कि यदि हम किसी से घृणा करते हैं तो हम किससे घृणा करते हैं। जब अक्षरातीत सबके हृदय में है और सबके हृदय के रूप में वो स्वयं ही है तो किसी से घृणा करके तो हम राज्य से घृणा कर रहे हैं। आसक्ति का बंधन मत पालिए, जहां आसक्ति होगी वहां घृणा भी फैल जाएगी। पवित्र प्रेम, पवित्र प्रेम का तात्पर्य क्या है? वह प्रेम जो आत्मा के धरातल पर हो, धन के आधार पर नहीं, पद के आधार पर नहीं, रूप के आधार पर नहीं, विद्या के आधार पर नहीं, विशुद्ध आत्मिक प्रेम। हम सब सुंदर साथ के लिए एक कल्याण की भावना रखें, प्यार करें माहो माहे वास्ते प्यार खसम। राज्य का यदि प्रेम पाना है तो हमें हर सुंदर साथ को आत्मिक दृष्टि से देखना पड़ेगा, लेकिन अभी तो सुंदर साथ कितनी दीवारों को तोड़ेगा मुझे बहुत आश्चर्य होता है। प्रांतवाद का जहर सुंदर साथ के दिल में आता है। एक प्रांत के सुंदर साथ अपने प्रांत वालों को ज्यादा तरजीह देते हैं। गुजराती आएंगे तो सारूचे सारूचे बस उनको लगेगा, पंजाबी मिलेंगे तो तूसी तूसी बस करते रहेंगे तो उन्हें तूसी वाला अच्छा लगेगा, सारूचे वाला अच्छा नहीं लगेगा। नेपाली आएंगे उनकी अलग टीम, बिहारी आएंगे अलग टीम, यूपी वाले अलग टीम। इसको थोड़ा तोड़ भी दिया जाए फिर वे आपस में भी लड़ते हैं, जाति के नाम पर, गरीब और अमीर के नाम पर, रूप और कुरूपता के आधार पर, धनी और गरीब के आधार पर कितनी दीवारें हैं, और ये सारी अज्ञानता परक है। यदि हमारी आत्मिक दृष्टि खुल जाए तो हमें क्या लगेगा? आत्म सवनी एक दिशे जुजवीत दिशे दे, चाहे कोई झोपड़ी में बैठा हो या कोई महल में रहता हो, दोनों के अंदर परमधाम की आत्मा है तो हमें दोनों से समान व्यवहार करना चाहिए। कोई सर्वांग सुंदर हो या कोई कुरूप हो तो भी हमें दोनों से समान व्यवहार करना होगा, क्योंकि हमारी दृष्टि आत्मिक दृष्टि होनी चाहिए। परम धाम की दृष्टि से हम सबसे बात करें, सबसे प्रेम से करें तो हमारे अंदर क्या होगा, आत्मिक धरातल पर प्रेम के संस्कार दृढ़ होते जाएंगे। यदि हमने अपने हृदय में घृणा का थोड़ा सा भी स्थान रख दिया, देखिए जहाज कितना भी बड़ा हो एक छोटा सा छेद हो जाए जहाज की सतह में तो पानी भरने लगता है और एक समय ऐसा आता है कि जहाज डूब जाता है। इससे मैं यही कहूंगा, आप अपने हृदय में घृणा का, द्वेष का, वैर का, चुगली का रंच मात्र भी बीज न रहने दीजिए, क्योंकि यदि आप रखेंगे तो आपकी चितवनी में बहुत बड़ी बाधा पड़ेगी। आपके विरह रूपी वृक्ष को दीमक की तरह घृणा का संस्कार नष्ट करता जाएगा, फिर वृक्ष में चितवनी का फूल कहाँ से खिलेगा, प्रीतम का दीदार रूपी फल कहाँ से लगेगा। इसलिए सब सुंदर साथ को यह चाहिए कि दूसरों को परमधाम के वहदत की याद करते हुए आत्मिक प्रेम से देखें, क्योंकि परमधाम क्या है, प्रेम की भूमिका है। इस संसार में यदि हम आए हैं तो हमें अपनी कुछ छाप छोड़नी पड़ेगी, हमारी रनी संसार के जीवों से अलग होनी चाहिए। किंतु देखा जाता है कि हमारे समाज में सबसे अधिक झगड़े हैं और सुंदर साथ और पंथों की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही रुखा हो जाता है। इसका कारण क्या है? मूल कारण है ज्ञान का अभाव,
वाणी के चिंतन का प्रकाश नहीं हुआ। कर्मकांडों से हमारे समाज को ढक दिया गया है। चितवनी जो हमारी आत्म जागृति का आधार है, एक नई विचारधारा कई कुछ वर्षों से चल रही है, उस विचारधारा का मूल सूत्र है कि चितवनी करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, वाणी का मंथन करो सब कुछ हो जाएगा। वाणी के मंथन से आपको ज्ञान का प्रकाश मिलेगा, लेकिन ज्ञान तो किसी सत्य को दर्शाता है। जिस सत्य को दर्शाता है उस सत्य को, लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया तो ज्ञान तो केवल कथनी का विषय रह गया। आप वाणी की चौपाइयां को कह रहे हैं, व्याख्यान दे रहे हैं, दूसरों को सुना रहे हैं, आखिर कब तक सुनते रहेंगे? सुनने के बाद भी तो कुछ करना होता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी से कहने लगे अमुक फल बहुत स्वादिष्ट है, अमुक फल बहुत स्वादिष्ट है, सुनने वाला कब तक सुनेगा? एक दिन कहेगा कि भाई मेरा सिर दर्द हो रहा है, आप जिस फल की महिमा गा रहे हैं उस फल को या तो दिखाइए या खिलाइए, तब तो ठीक है। न दिखाते हैं न खिलाते हैं, बस उसी का प्रवचन दे रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं है। उसी तरह से प्रेम का प्राण है ज्ञान और ज्ञान का प्राण है प्रेम। वाणी का चिंतन आवश्यक है, क्योंकि वाणी के चिंतन के बिना अज्ञानता का अंधकार नहीं हटेगा। लेकिन जब ज्ञान का प्रकाश हो गया, आपको मालूम हो गया कि हम परम धाम से आए हैं और हमारी आत्म जागृति आवश्यक है, तो इस आत्म जागृति की तरफ आपने जो कदम बढ़ाया है, पहला कदम है प्रेम, ये इल्म का, ज्ञान का, ज्ञान को ग्रहण किया। ज्ञान ने आपको विश्वास दिया, राज्य पर अटूट विश्वास हो गया, उस विश्वास से आप विरह की तरफ चल पड़े हैं। विरह ने आपको समर्पण दिया, और समर्पण से जब आपने अपना हृदय राज्य को दे दिया तो प्रेम का ऐसा रस बहेगा आपके हृदय में कि प्रीतम का दीदार करा देगा, जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। लेकिन केवल कथनी का ही विषय बना लिया राज्य को तो क्या होगा, ये तो सुनने सुनाने की बात हो गई। जैसे कुछ सुंदर साथ का सारा ध्यान रहता है मैं कितने पाठ पढ़ लूं, पाठ पढ़िए, लेकिन यह भी तो सोचिए कि उन चौपाइयों में लिखा क्या है, उन चौपाइयों का मंथन कीजिए, लेकिन यह भी तो सोचिए कि उन चौपाइयों का जो ज्ञान है वो क्या कह रहा है। यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, ये चौपाई भी तो लिखिए। अब चितवनी से कहता हूँ जो देत शायदी अकल, चितवनी की बार बार बात आएगी, रास से लेकर क्यामत नामा तक 14 ग्रंथों में सार तत्व यही कहा गया है, अपने प्राणेश्वर को अपने हृदय मंदिर में बसाइए और अपनी आत्मा को जागृत कीजिए। परमधाम की जो लीला है, जो अनन्य प्रेम की है, आप सोचिए धरती आकाश हवा सब कुछ वहां प्रेम के स्वरूप है। राज्य जब चलते हैं तो आप सोचिए, एक सुंदर साथ ने बहुत वर्ष पहले एक प्रश्न किया था कि राज्य के सभी अंगों का वर्णन तो है, सारे वस्त्र आभूषणों का वर्णन है, लेकिन पैरों में जूता या चप्पल का कोई वर्णन ही नहीं है। आप सोचिए कि परम धाम में कीचड़ नहीं है, धूल नहीं है, वो तो अनंत प्रेम, अनंत सुगंधि, अनंत ऐश्वर्य, जिसको वेद की भाषा में आदित्य वर्ण कहते हैं, अरबी में जिसको नूर कहते हैं। कालमाया के ब्रह्मांड में तो हमारे पैरों में धूल लग सकती है, गंदगी लग सकती है, तो हमें चप्पल या जूते का पहनना प्रयोग करना पड़ता है। घरों में भी होते हैं तो मोजे का प्रयोग करते हैं, परमधाम में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर वस्तु ब्रह्ममयी है, हर कण में प्रीतम का स्वरूप है, वहां कण कोई है ही नहीं, प्रीतम ही सभी कणों के रूप में क्रीड़ा कर रहा है। अब सोचिए राज्य के जब हार भी हैं, हृदय पर हैं, जैसे सखियां हैं वैसे हृदय के हार भी हैं, सखियों की तरह वो हार भी आत्मा का ही स्वरूप है, वहां की धरती भी आत्मा का ही स्वरूप है। जब राज्य के चरण कमल धरती पर पड़ते हैं तो धरती चाहती है कि राज्य के चरणों में मैं इतनी सुगंधि छोड़ दूं, इतनी मैं कोमल हो जाऊं कि मैं राज्य को रिझा सकूं। जैसे एक ब्रह्मात्मा राज्य को रिझाती है, धरती जड़ नहीं है, धरती भी उसी भाव से रिझाती है।
दो इस संसार में दो भाई, दो मित्र, दो बहन या कोई भी रिश्ता मान लीजिए, गले मिलते हैं तो क्या होता है? कोई किसी से स्नेह भरा आलिंगन करता है तो इस भाव से कि हमारे हृदय का प्रेम प्रदर्शित हो जाए। उसी तरह से जब राज्य के चरण कमलों से धरती का स्पर्श होता है तो राज्य भी जानते हैं कि धरती रूपी ब्रह्मात्मा मुझे रिझा रही है, तो मैं अपने हृदय को कितना कोमल कर सकूं, इसी में मेरे प्रेम की महत्ता है। धरती अपनी तरफ से रिझा रही है और राज्य भी, जो कहते हैं असल अर्श के बीच में हक्का नाम आशिक, वो भी अपने चरण कमलों को कितना कोमल कर लेते हैं ये वही जानते हैं। आप सोचिए जिस परम धाम की बात हो रही है, जिमी जात वीरों की रूह जात आसमान, धरती आकाश हवा वृक्ष सभी आत्मा स्वरूप है। परम धाम में हर कण आत्मा का स्वरूप है और आत्मा क्या है? अक्षरातीत का हृदय ही तो सब कुछ है। राज्य का हृदय ही परात्म के रूप में है। राज्य के हृदय के अतिरिक्त परम धाम में कुछ नहीं, इसलिए तो उसको अद्वैत कहते हैं, स्वलीला अद्वैत, अनंत रूपों में दिखता हुआ भी मात्र एक है। सूर्य का प्रकाश जहां से फैल रहा है किरणों के रूप में सूर्य ही तो है। सूर्य से उसकी किरणों को पृथक कैसे किया जा सकता है? उसी तरह से राज्य के चरण कमल और धरती के स्पर्श में भी प्रेम की एक विचित्र लीला कार्य करती है। जब हमें तारतम वाणी का प्रकाश मिला है तो हमें सुंदर साथ को किस दृष्टि से देखना चाहिए, ये हम स्वयं चिंतन में ला सकते हैं। श्री जी ने स्पष्ट कहा है, ए मोहे सयो न जावी जो कहे साथ में कटुक वचन। यदि सुंदर साथ कोई किसी को कटु वचन कहता है तो राज्य कहते हैं कि मुझको ये सहन नहीं होगा। आप किसी के हृदय को पीड़ा ना दीजिए, वचनों से नहीं मन से भी नहीं। आप मन से भी किसी का अहित न सोचिए, सबको प्रेम की दृष्टि देखिए, सबके अंदर परमधाम की आत्मा को देखिए और हर ब्रह्मात्मा के हृदय में युगल स्वरूप को बैठे हुए देखिए। कौन क्या पाप कर रहा है यह आपका विषय नहीं। यदि आप सबके विषय में केवल नकारात्मक ही सोचेंगे कि वो बुरा है वो बुरा है, केवल मैं अच्छा हूं, तो इससे आपकी आत्मिक प्रगति रुक जाएगी। आप कीचड़ पर पत्थर फेंकते फेंकते सारे कीचड़ के की गंदगी तो अपने ऊपर कर लेंगे, वो संस्कार आपका दृढ़ हो जाएगा, इसलिए अच्छाई नहीं दिखेगी आपको, तो केवल अवगुण काढ़े गुण ग्रहे ही करना है। जीव के गुण अवगुण दिखाई देते हैं, आत्मा तो त्रिगुणातीत है, आत्मा के स्वरूप को तो आप देख नहीं रहे हैं। इसलिए किसी सुंदर साथ में कुछ ज्यादा गुण दिखते हैं, किसी में अवगुण ज्यादा दिखते हैं, ये विषय आपका नहीं है। आप अपने अंतर्दृष्टि में सबके प्रति आत्मिक भावना रखिए, जैसा कि गीता ने कहा है, आत्मवत् सर्वभूतेषु या पश्यति स पंडितः। अपने समान जो सभी प्राणियों को देखता है वही विवेकवान कहलाता है। ये तो संसार के मनीषी जन ऐसा करते आ रहे हैं। क्या हम हर सुंदर साथ के अंदर, चाहे वो काला हो या गोरा, गरीब हो या अमीर, गुजराती हो या पंजाबी, नेपाली हो या बिहारी, बच्चा हो या बूढ़ा, सबके अंदर एक आत्मिक दृष्टि नहीं देख सकते? यह दृष्टि तो केवल परमहंसों की होती है, लेकिन मैं तो हर सुंदर साथ को कहूंगा, भले ही परमहंस अवस्था तक आप पहुंचे हैं चाहे नहीं पहुंचे हैं, आप सुंदर साथ तो हैं। किसी की तरफ घृणा की दृष्टि से, कटुवचन की दृष्टि से आप अपने व्यवहार को विकृत न कीजिए, क्योंकि यदि आप कटुवचन बोलते हैं, घृणा करते हैं, किसी की निंदा करते हैं पीठ पीछे, तो वो बुरे संस्कार आपके चित्त में समाहित हो जाएंगे और जब आप चितवनी के लिए बैठेंगे तो यही विषैले बिच्छू की तरह आपको डंक मारा करेंगे, आपके अंदर प्रेम पैदा नहीं होने देंगे और सबसे अहित आप अपना स्वयं करेंगे। इसलिए यदि परम धाम का प्रेम पाना है, जैसे कि मैंने कहा, परम धाम में एक पल के लिए भी कभी प्रेम की लीला बंद नहीं होती है। इस संसार में भी आपको एक अवसर दिया जा रहा है। अष्ट पर बिना रहे प्रेम काव्य सो, अब संध्या आरती में ढोलक पीट पीट कर गाते हैं,
लेकिन कि कब होगा? प्रेम की सुगंधि को अपने अंदर रख लीजिए। आप देखिए, प्रकृति ने मृग के अंदर स्वाभाविक रूप से कस्तूरी की उत्पत्ति की है। हिरण जहां जाता है, सोता भी रहेगा तो उसको सुगंधि का एहसास होता है। वो सोचता है कि सुगंधि कहां से आ रही, भागता फिरता है। उसकी नाभि में कस्तूरी है तो सुगंध 24 घंटे है। उसी तरह से प्रेम रूपी कस्तूरी को अपने हृदय मंदिर में बसा लीजिए। और उसकी बसाने की राह यह है कि जो प्रेम के स्वरूप हैं अनंत सागर अक्षरातीत, उनको सच्चे हृदय से, शांत मन से, समर्पित मन से प्रतिदिन चितवनी कीजिए। और जो उनकी ब्रह्मात्माएं हैं उनके प्रति हृदय में किसी तरह का कटुभाव न रखिए, उनसे दूरी न बनाइए। यदि आप उपेक्षा दृष्टि से उनसे मुख फेरेंगे तो इससे नुकसान आपको होता है, क्योंकि उपेक्षा के संस्कार आपके अंदर भर जाएंगे। उपेक्षा घृणा में बदल जाती है, और यदि घृणा के संस्कार आपके अंदर प्रबल होने लगेंगे तो एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। आप सबके अंदर युगल स्वरूप की बैठी हुई छप को देखिए। आप यह ना देखिए को तो बहुत बुरा व्यक्ति है, उसके अंदर तो ऐसे ऐसे ऐब हैं। जो न्यायाधीश हैं उगुण अवगुणों को देखने के लिए वह है। आप अपने अनमोल समय इसमें क्यों लगा रहे हैं? आप जीवन के हर क्षण को सकारात्मक भाव से राज्य की तरफ ले चलिए, क्योंकि जो क्षण आप खो देंगे इस सृष्टि में दोबारा क्षण आपको मिलने वाला नहीं है। इस जागनी ब्रह्मांड का, जागनी का यह जो चरण वर्तमान समय में चल रहा है बहुत ही नाजुक है। हर क्षण कीमती है, इस क्षण का सदुपयोग कीजिए। अपनी सारी ऊर्जा को, मानसिक ऊर्जा को, बौद्धिक ऊर्जा को और आत्मिक प्रेम की ऊर्जा को केवल राज्य की तरफ केंद्रित कीजिए। इसी में आपके जीवन की सार्थकता छिपी हुई है। मैं आशा करता हूँ सुंदर साथ मेरी इन बातों को प्रेम से अंगीकार करेगा। प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। जाको नाम रसना होसी कैसी मीठी हक, जाको नाम रसना होसी कैसी मीठी हक, जिनकी जैसी बुजर की जुबा होत है तीन माफक, जाको नाम रसना होसी कैसी मीठी हक। कहनी में ना आवही विचार देखे मोमिन, कहनी में ना आवही विचार देखे मोमिन,
होए जागृत अर वारस की कछु सो देखे रस ना रोशन जाको नामई रसना होसी कैसी मीठी हक अति मीठी जुबा मासुक की देत आशिक को सुख अति मीठी जुबा मासुक की देत आशिक को सुख कछु अरस सहुरे सुख लीजिए पर कहियो न जाए या मुख जाको नामई रसना होसी कैसी मीठी हक जाको नामई रसना होसी कैसी मीठी हक ए याद किए हक रसना आवत है इश्क ए याद किए हक रसना आवत है इश्क जिन इसके अरस देखिए सुख पाई हक मुतलक जाको नामई रसना होसी कैसी मीठी हक जाको नामई रसना होसी कैसी मीठी हक और सुख हक दिल में जाहिर होत रसनाए और सुख हक दिल में जाहिर होत रसनाए एह सिफत किन विध कहूं जो रहत हक मुख माहे जाको नामई रसना होसी कैसी मीठी हक जाको नामई रसना होसी कैसी
मीठी हक जिनकी जैसी बुझ रखी जुबां होत है तीन माफक जाको नामई रसना हो सी कैसी मीठी हक हो सी कैसी मीठी हक हो सी कैसी मीठी हक बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। अब तो मेरे पिया की दया न समावे एंड ये गुण मुझे क्यों बिसरे मोस हुए सब अखंड मोसो हुए सब अखंड। अब तो मेरे पिया की इस कलश ग्रंथ के अंदर अक्षरातीत धाम धनी महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के दया के विषय में बता रहे हैं। इस जागने के ब्रह्मांड के अंदर जो धाम धनी ने ब्रह्मात्माओं के ऊपर जो मेहर बरसाई है उसी को ही यहाँ पर दया शब्द से कहा गया है। दया एक विशेष गुण है जो हमें इस जागने के ब्रह्मांड में अक्षरातीत की कृपा से हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है। दया मतलब कृपा। कृपा भी इस जागने के ब्रह्मांड के अंदर धाम धनी ने हमारे लिए विशेष रूप से एक साधन बना दिया है जिसके माध्यम से यहाँ बैठे बैठे हम इस नश्वर जगत से परे अखंड परमधाम में अपनी सुरता को पहुँचा करके पांचवी गोल हवेली में विराजमान युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी की शोभा उनके श्रृंगार का हम यहीं से आत्मिक दृष्टि से हम अनुभव कर सकते हैं उसका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। यह धाम धनी की एक विशेष कृपा है। आज संसार में बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि यति सन्यासी हुए तीर्थ पैगंबर हुए लेकिन उन्होंने कभी भी परमात्मा के धाम स्वरूप और लीला के विषय में कभी भी जान ही नहीं सके कि वो परमात्मा कैसा है उसका स्वरूप किस प्रकार से है वो कहाँ रहता है यह किसी को पता नहीं था। यहाँ हमें सरलता से सुगमता से धाम धनी ने हमारे ऊपर यह कृपा बरसाई है कि हम इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से चितवनी के माध्यम से प्रेम के माध्यम से उस कृपा को आत्मसात करके हम अखंड तक पहुंच सकते हैं।
यही इस जागने के ब्रह्मांड में धाम धनी की विशेष कृपा है। इस कारण से इंद्रावती जी की आत्मा कहती है, अब दया गुण में तो कहूँ, जो धाम धनी ने हमारे ऊपर जो दया की है, जो कृपा की है, उसके विषय में कहाँ तक वर्णन करूँ, क्योंकि उसका कोई वर्णन ही नहीं हो सकता। धामधनी ने सर्वप्रथम हमें ब्रज के अंदर भेजा, उसके बसत रास के अंदर ले जा करके हमें अखंड सुख प्रेम आनंद का रस स्वादन कराया, उसके पश्चात इस जागने के ब्रह्मांड के अंदर हमें यह अनमोल तारतम्बाणी प्रदान करके हमें संपूर्ण परमधाम के 25 पक्षों का वर्णन करके बता दिया, अपनी शोभा श्रृंगार का वर्णन करके धामधनी ने इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से हमें स्पष्ट करा दिया है कि धामधनी हमारे ऊपर कब कब कहां कहां पर कृपा कर रहे हैं। यह हमें इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से स्पष्ट हो जाता है, यही धामधनी की विशेष कृपा है। जब धामधनी की विशेष कृपा होती है तो मनुष्य न चाहते हुए भी उसका मन मस्तिष्क आध्यात्म मार्ग की ओर अग्रसर होने लगता है। कारण क्योंकि धामधनी ने जिसको चुन लिया है, परमात्मा जिसका वरण कर लेता है, जिसको कहा गया है भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, जो संपूर्ण क्लेशों को जो भस्म करने वाला जो परमात्मा है, वह हमारी बुद्धियों को उत्तम गुण कर्म और स्वभाव में प्रेरित करें। यह एक वेद का मंत्र है जिसको सारा समाज गायत्री मंत्र के नाम से भी जानता है। इसके अंदर परमात्मा से उत्तम बुद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। जब मनुष्य के अंदर सात्विक बुद्धि आ जाती है, जिसको योग दर्शन के अंदर रितंबरा प्रज्ञा के नाम से कहा गया है, इसको प्राप्त कर लेने से मानव एक महामानव बन जाता है। महामानव से तात्पर्य है आध्यात्म जगत में वह इस शिखर पर पहुंच जाता है जहां पर कोई सामान्य मनुष्य पहुंच ही नहीं सकता है। वह सभी मनुष्य से भिन्न हो जाता है, उसकी रहनी उसकी करनी सब सामान्य मनुष्य से भिन्न दिखाई पड़ने लगता है। कारण क्योंकि परमात्मा ने उसको स्वयं चुना है, उसके माध्यम से परमात्मा कोई विशेष कार्य को कराना चाहता है, यही परमात्मा की विशेष कृपा है जिसको दया कहा जाता है। दया का तात्पर्य केवल यह नहीं है जो हम लौकिक दृष्टि से सांसारिक दृष्टि से हम इस संसार में देखते हैं। जैसे एक कोई गरीब बच्चा है, उसके पास खाने के लिए पीने के लिए रहने के लिए मकान नहीं हो और पहनने के लिए सुंदर वस्त्र न हो, तो कोई एक धनी व्यक्ति ने उसके ऊपर कृपा करके दया करके अपने पास रख लिया, खाने के लिए कुछ पैसे दे दिए, भोजन की व्यवस्था कर दी, यह कोई दया नहीं है, ये एक सामान्य रूप से एक मदद हम कह सकते हैं। लेकिन दया तो वही है जो
हमें अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करें, और जिसके ऊपर विशेष रूप से परमात्मा की कृपा हो उसी को ही हमें दया मानना चाहिए। नहीं तो परमात्मा की दृष्टि में संसार में हरेक पदार्थ उत्तम है। परमात्मा की दृष्टि में संसार की प्रत्येक वस्तुओं में अनंत गुण भरे हुए हैं, लेकिन मनुष्य उस गुणों की पहचान नहीं कर पाता है और मनुष्य उससे पृथक होकर के सांसारिक कार्यों में डूबने लगता है। सांसारिक कार्यों में अपने आप को इतना मग्न कर लेता है कि वह समझ नहीं पाता है कि परमात्मा की कृपा मेरे ऊपर हो रही है या नहीं है। जैसे उदाहरण के रूप में रेगिस्तान की धरती है, वहाँ पर वर्षा बहुत अल्प मात्रा में होती है। यदि कोई किसान हो और वह अपने घर में घड़े के अंदर पानी भरना चाहता हो, लेकिन उसने अपने घर के अंदर घड़े को छुपा करके रखा है और वो सोचता है कि घड़े में आकर के स्वयं पानी भर जाए, वो मेहनत करना नहीं चाहता है। बस उसने संकल्प लिया कि बारिश हो और घड़े के अंदर पानी आकर के भर जाए, यह कभी संभव नहीं है। जब तक वह किसान उस घड़े को अपने कमरे से बाहर निकाल करके जब तक मैदान में नहीं रखेगा, तब तक उसके अंदर एक भी बूंद पानी पड़ने योग्य नहीं है, उसे पानी पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसने उस योग्यता को अभी स्वयं उसने छुपा करके रखा है। जब वह उस योग्यता को समझेगा, उसको यह मालूम होगा कि यह घड़े को बाहर रखने से एक एक बूंद पानी इसमें गिरने के पश्चात यह घड़ा भर जाएगा और मेरी इच्छा यहाँ पर पूरी हो जाएगी। जब तक वह उस कार्य को नहीं करेगा, तब तक होगा क्या? उस घड़े के अंदर एक भी बूंद पानी आकर के नहीं बैठ सकता। उसी प्रकार से जब तक हम स्वयं को योग्य नहीं बनाएंगे, जब तक हम स्वयं को तपस्या में नहीं तपाएंगे, जब तक हम अपने आप को आध्यात्म मार्ग के लिए अपने आप को योग्य नहीं बनाएंगे, तब तक परमात्मा की कृपा हो ही नहीं सकती। संसार में मनुष्य दया तो करता है, लेकिन एक स्वार्थ के वशीभूत करता है। वह इसलिए करता है क्योंकि वह सोचता है कि मुझे इससे कुछ प्राप्त हो, यदि योग्य बन जाए तो मैंने इसके प्रति कुछ दया की थी, उसके कारण से यह मुझे कुछ देगा, इस भावना से मनुष्य यहाँ पर कृपा करते हैं। लेकिन परमात्मा इस भावना से यह संसार में दया नहीं कर रहा है। यहाँ परमात्मा इस भावना से सभी ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर, सभी मनुष्य मात्र में दया कर रहा है, ताकि इस ब्रह्म सृष्टियों के कारण जो इस संसार में ये ज्ञान अवतरण हुआ है, इस ज्ञान रूपी कृपा से संपूर्ण मानव अखंड मुक्ति को प्राप्त हो जाए। जो मानव अनादिकाल से जन्म मरण के चक्र में फंसा हुआ था, जो इस बंधन से निकल ही नहीं पा रहा था, उससे निकलने का एकमात्र साधन धामधनी ने यहाँ पर इस ब्रह्मवाणी में बता दिया है। जब हम इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से स्वयं को पहचान देंगे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे इस संसार में करना क्या है, मैं एक मनुष्य शरीर में आकर के किस प्रकार से बंधा हुआ हूँ, क्या मेरी आत्मिक स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ, क्या मैं एक सामान्य जीव हूँ, क्या मैं एक सामान्य मनुष्य हूँ, या इससे भिन्न मेरा कोई वास्तविक स्वरूप है,
जब तक हम इसको नहीं पहचानेंगे तब तक हम कभी भी उस दया के पात्र बनी नहीं पाएंगे। संसारिक रूप में देखें तो मुख्य रूप से अक्षरातीत धामधानी की हमारे ऊपर दो ही प्रकार से दया हो सकती है। एक बाहर रूप से हो सकती है और एक आंतरिक रूप से हो सकती है। आंतरिक कृपा यही है, हमें अखंड परमधाम का ज्ञान दे करके क्षर और अक्षर से भी परे मूल मिलावा में विराजमान अपने मूल स्वरूप की पहचान करा दे। और इस जागने के ब्रह्मांड में धामधनी ने इस कार्य को करके यहाँ पर दिखाया है। सभी ब्रह्म सृष्टियों के लिए इस तारतम ज्ञान के माध्यम से उस परमधाम का द्वार उजागर कर दिया है, जो ब्रह्म सृष्टि इस माया में आकर के उस अपने मूल घर को भूल गई थी। और इस संसार में आकर के धामधनी ने हमें बहुत समझाया, लेकिन जब तक तारतम ज्ञान का प्रकाश नहीं था तब तक हमने देवचंद्र जी के माध्यम से जो भी बातें सुनी चौथे दिन की लीला में, उस सब को उनके अंतर्ध्यान के पश्चात सुंदर साथ भूल गए और अपनी अपनी माया में जा कर के डूब गए। जब पांचवे दिन की लीला शुरू होती है 1715 में मेहरा जी के अंदर विराजमान इंद्रावती की आत्मा हफ्से के जेल में अपने प्रियतम से गुहार लगाती है, पुकारती है। तब कठोर साधना के पश्चात, कठोर विरह में डूबने के पश्चात प्रेम के कारण धामधनी उनके धाम दिल में आकर के विराजमान हो जाते हैं। उसके पश्चात जो ब्रह्मवाणी का अवतरण होता है, उसके पश्चात सभी सुंदर साथ जो माया में डूबे हुए थे वह उस माया से निकल करके पुनः धामधनी के चरणों में आ जाते हैं और अपना सर्वस्व समर्पण कर देते हैं। वही परमधाम के ब्रह्म सृष्टि जिसने इस संसार में अक्षरतः धामधनी की पहचान कर ली, उसने अपना तन मन धन सर्वस्व धामधनी के चरणों में समर्पण कर दिया। जैसे लालदास जी, चिंतामणि जी आदि अन्य सुंदर साथ हैं, छत्रसाल जी, जिन्होंने साक्षात धामधनी को पहचान करके उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पण धामधनी के चरणों में कर दिया था। कारण क्योंकि धामधनी ने उनके ऊपर अपनी कृपा बरसाई, अपनी दया के माध्यम से धामधनी ने उनको अपने ओर ज्ञान के माध्यम से खींचा, उनको अपनी वास्तविक स्वरूप की पहचान हो गई और उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया। पन्ना जी तक पहुँचते पहुँचते 5000 की जमात हो जाती है, लेकिन उसमें से केवल 500 ही ब्रह्म सृष्टि है जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पण करके पन्ना जी में धामधनी को रिझाया। वहाँ पर जिस प्रकार से परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों ने धामधनी को रिझाया, ईश्वरीय सृष्टि और जीव सृष्टि ने उस प्रकार से धामधनी की सेवा नहीं की। उनकी मेहर को, उनकी कृपा को और मूल निस्वत को वो पहचान नहीं सके। बस उन्होंने इतना ही माना कि ये साक्षात प्राणनाथ जी है, ये हमारे धामधनी है, बस उनकी पहचान इतनी ही थी। लेकिन जिसने श्री प्राणनाथ जी को साक्षात अक्षरातीत के रूप में जाना, पहचाना, उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पण धामधनी के चरणों में कर दिया। उनके अंदर माया की लेस मात्र भी उनके अंदर नहीं थी। उन्होंने अपना सब कुछ में बहुत कुछ आ जाता है जिसको योग दर्शन की भाषा में हम कह सकते हैं, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानत्व। यदि हमें समाधि प्राप्त करना हो, समाधि का तात्पर्य है आत्मा के माध्यम से ध्यान अवस्थित होकर के
इसी शरीर में रहते हुए ही उस ध्यान की अनंत गहराई में डूब करके परमात्मा के स्वरूप को जानना समझना, उसकी स्वरूप की अनुभूति करना, यही समाधि है जिसमें केवल ध्येय रह जाता है, मतलब लक्ष्य। हमारा लक्ष्य है युगल स्वरूप को अपने दिल में बिठाना, यह पूर्ण हो जाता है। इसके लिए हमें अपना सर्वस्व समर्पण करना पड़ेगा। सर्वस्व समर्पण में कुछ भी अहम की मात्रा नहीं होनी चाहिए। तात्पर्य है अहंकार का भाव नहीं होना चाहिए। जब हमारे अंदर अहंकार का भाव आ जाता है, वही अहंकार हमें संसार में डुबोने वाला है, वही अहंकार हमें इस संसार विबंधन में डालने वाला है। इस कारण से उस अहंकार से हमें पृथक होकर के, दूर होकर के हमें आध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ना है। यहाँ इस संसार में हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हम इस संसार रूपी बंधन से पृथक होकर के क्या करेंगे, युगल स्वरूप की जो शोभा श्रृंगार है उसको अपने दिल में बिठाएंगे। वाणी कहती है, अब दूर करूं असत को, जाहिर करूं सत ज्योत। सत्य ज्ञान का प्रकाश हम तभी अपने अंदर कर पाएंगे जब हम असत माया को दूर करेंगे। मोह माया छल कपट भ्रम अज्ञानता काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर आदि को हम दूर करके अपने दिल को पवित्र करेंगे, तब जाकर के हमारे धाम हृदय में युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार को हम बिठा पाएंगे। अन्यथा हमारे हृदय में केवल यही मायावी विकारी आकर के हमें हमेशा ही प्रभावित करते रहेंगे और हम इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। यदि हम इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे तो धाम धनी की जो विशेष कृपा हमारे ऊपर हो रही है हम उसको समझ नहीं पाएंगे और अखंड मुक्ति से हम वंचित हो जाएंगे। यह सौभाग्य संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए प्राप्त हुआ है, इसलिए हमें इस कृपा को समझना है और इसको हमें आत्मसात करना है। तभी तो हमारे अंदर यह विशेष कथन धाम धनी की ओर से कहा जा रहा है, दया सबो अंगो पूरन सब हो दया को ठाट। यह तभी संभव है जब हम इसकी गहराई में डूब करके, चितोनी की गहराई में डूब करके, वाणी मंथन की गहराई में डूब करके जब हम आत्मसात करेंगे तब जा करके हम इसको प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो संसार में क्या है, खाना पीना सोना, ये तो संसार के प्राणी भी करते हैं और मनुष्य भी यही करता है। लेकिन मनुष्य के अंदर विशेषता यह है कि उसके अंदर बुद्धि है, वह सत्य असत्य को समझ सके। जो मानव सत्य और असत्य का निर्णय नहीं कर सकता वह मानव नहीं कहला सकता। यदि मानव हमें कहलाना हो तो हमें अपने आचरण को शुद्ध करना होगा, ज्ञान के प्रकाश में हमें स्वयं को डुबोना होगा। जब तक हम ज्ञान रूपी अग्नि को अपने अंदर धारण नहीं करेंगे तब तक अंदर उत्पन्न होने वाले जो मायावी विकार वो कभी भी समाप्त नहीं हो पाएंगे। जब तक ये विकार समाप्त नहीं होंगे तब तक हम धाम धनी की जो दया है, जो कृपा है, उसको हम आत्मसत नहीं कर पाएंगे। इससे हमें क्या हानि होगी, हम उस अखंड सुख से वंचित हो जाएंगे और ब्रह्मवाणी के जो गहन रहस्य है हम उसको समझ नहीं पाएंगे। जिसे समाज में आज जो वाणी को तो पढ़ते हैं लेकिन धाम धनी की विशेष कृपा को वो समझ न पाने के कारण से इस वाणी से भिन्न विरुद्ध जो बातें हैं वो समाज में प्रचार करते हैं। ऐसी स्थिति हमारे अंदर भी आ सकती है। धाम धनी ऐसा न करें कि हम ब्रह्मवाणी से विरुद्ध होकर के हम कार्य करने लगे। लेकिन यदि हमने स्वयं को प्रेम में नहीं डुबाया, चितोनी में नहीं डुबाया,
स्वयं अपने स्वरूप को जानने के लिए यदि हमने प्रयास नहीं किया तो हम भी संसारिक जीव सृष्टि के समान प्राणा जी को न पहचान करके, हम धाम धनी की पहचान न करके, हम उनके विरुद्ध में हम भी कथन करने लग सकते हैं। ऐसी संभावना हम कर सकते हैं, संभावना हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यदि हम चाहें तो संभव भी हम कर सकते हैं। ये दोनों स्थिति हमारे मस्तिष्क के अंदर है जिसको हम स्वयं समझ सकें। इस कारण से धाम धनी ने कहा, संबंध सब समझाए के करूं तिमिर सबनास। धाम धनी ने दया करके हमें अपने मूल संबंध को पहचान करा करके हमारे हृदय से अज्ञानता को नष्ट कर दिया है। तभी तो उपनिषद के अंदर कहा गया है, असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। हम ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात हमारी ऐसी स्थिति हो जाती है कि हम असतोमा सद्गमय, असत अर्थात अज्ञानता से हम पृथक हो करके सत्य अर्थात परमात्मा की ओर हम चल पड़ेंगे, उसको प्राप्त करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तमसोमा ज्योतिर्गमय, जब हमारे अंदर अज्ञानता थी तो हम माया में डूबे हुए थे, हमें परमात्मा की पहचान नहीं थी, तो हम उस समय विभिन्न नदी नाला तीर्थ पैगंबर जड़ आदि पदार्थों की हम पूजा कर रहे थे। हम ज्ञान के प्रकाश में हम ज्योति अर्थात सत्य प्रकाश की ओर, परमात्मा के दिव्य धाम की ओर, परमात्मा के वास्तविक स्वरूप की ओर हम आगे बढ़ने लगे। मृत्युर्मा अमृतम गमय, जब हम सांसारिक भक्ति में लगे हुए थे जिसको अंधन तमह प्रविशन्ति ये संभूतिम इति उपासते कहा गया है वेद के अंदर, जब हम मायवी पदार्थों की हम पूजा कर रहे थे, जब हमने अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान नहीं की थी, तो हम अनादिकाल से इस संसार में जन्म मरण के चक्र में फंसे हुए थे। कई मनुष्य योनि को प्राप्त कर रहे थे तो कभी पशु प्राणियों की योनि को हम प्राप्त कर रहे थे, कभी वृक्ष वनस्पतियों की योनि को हमने प्राप्त किया होगा, लेकिन इस तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में हम मृत्युर्मा अमृतम गमय, हम मृत्यु से हट करके अमृतत्व को प्राप्त करेंगे अर्थात अखंड मोक्ष को प्राप्त करेंगे। यह इस ब्रह्मवाणी की विशेषता है, यही इस जागने के ब्रह्मांड में धाम धनी की विशेष कृपा है। धाम धनी ने इस संसार के ऊपर विशेष कृपा करके दिखा दिया। जब हम कहते हैं अब देखो सुख जागनी होशी निर्मल दिल, जब हमारा दिल पवित्र हो जाएगा, दिल कैसे पवित्र होगा, क्योंकि दिल के अंदर अनेक सारे विकार उत्पन्न होते रहते हैं, उसको हम कैसे पवित्र कर सकते हैं। इसके लिए योग दर्शन के अंदर कहा गया है कि जब हम अपने दिल के अंदर शुद्ध भावना बनाएंगे, शुद्ध आचरण करेंगे, सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करेंगे, परमात्मा की कृपा को हम पल पल अपने अंदर धारण करते रहेंगे, परमात्मा की कृपा के अनुरूप हम कार्य को करते रहेंगे, तो हमारा जो दिल है वो पवित्र हो जाएगा। दिल का तात्पर्य है मन। दिल और मन एकार्थवाची शब्द है, दोनों का अर्थ एक ही है। धाम दिल कर सकते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से हम कथन कर सकते हैं, लेकिन वो भिन्न प्रसंग में दिल का भिन्न भिन्न अर्थ लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो कहा गया है निर्मल दिल, दिल का तात्पर्य मन, अपने मन को हमें निर्मल करना है, पवित्र करना है, स्वच्छ करना है, तभी जा कर के हम इस जागने रूपी जो सुख है हम उसको ग्रहण कर पाएंगे। जागने का सुख बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस जागने के सुख में हम यहाँ बैठे बैठे परमधाम के 25 पक्ष में भ्रमण कर सकते हैं, होज कसर ताल में हम
डुबकी लगा करके उसकी गहराई को जान सकते हैं। माणिक पहाड़ की ऊंचाई कितने हैं हम उसको समझ सकते हैं। जमुना जी कैसी है हम उसका समझ सकते हैं। युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार कैसी है हम उसको यहाँ बैठे बैठे तारतम्य ज्ञान के माध्यम से समझ सकते हैं। परमधाम की अनंत लीलाओं को हम यहाँ बैठे बैठे अनुभव कर सकते हैं, जिसको यहाँ पर कहा गया है अब देखो सुख जागनी। यहाँ बैठे बैठे हम परमधाम के 25 पक्षों में भ्रमण कर सकते हैं। यह धाम धनी की विशेष ब्रह्मसृष्टियों के ऊपर कृपा है। इस कारण से हमें अपने दिल को पवित्र करना चाहिए, निर्मल करना चाहिए। निर्मल करने के लिए हमें सांसारिक साधनों की पवित्रता भी आवश्यक है, और दिल को जल्दी शीघ्र ही निर्मल करने के लिए हमें ज्ञान अग्नि में अपने आप को तपाना पड़ेगा, पुरुषार्थ में अपने आप को तपाना पड़ेगा, अपने हृदय को निर्मल करना पड़ेगा। और हम दिल को जल्दी निर्मल करने के लिए प्राणायाम आदि के माध्यम से हम अपने दिल को पवित्र कर सकते हैं। ये सभी मन को पवित्र करने के लिए एक सहायक है। जैसे एक भवन बनाने के लिए रेत चाहिए, बालू जिसको हम बालू कहते हैं, बालू भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, रोड भी चाहिए, ईंट भी चाहिए, कुछ उसमें लकड़ियाँ भी चाहिए, फट्टे भी चाहिए, कारीगर भी चाहिए, मिस्त्री भी चाहिए, मजदूरी भी चाहिए, तब जाकर के हम एक भवन का निर्माण कर सकते हैं। और जिस दिल को हम उस परमात्मा को प्राप्त करने योग्य बना रहे हैं उसके लिए जो जो साधन पूर्वोक्त बताए गए हैं उसके अनुरूप हमें आचरण करने से हम शीघ्रता से उस कार्य को हम यहाँ पर कर पाएंगे, अन्यथा बहुत अधिक समय लग सकता है। क्योंकि यह विकार केवल इस जन्म का नहीं है, अनंत जन्मों से हमारे अंदर विकार है। उस विकारों को नष्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो योग प्राणायाम ध्यान अभ्यास पुरुषार्थ जो भी हमारे योग्य साधन हो सकते हैं स्वाध्याय आदि, हमें उन सब का अनुसरण करना चाहिए, उसके अनुकूल आचरण करना चाहिए। जब जैसे ही हमारा मन पवित्र हो जाएगा, जिसको दिल के कहा जाता है, उसके पवित्र होते ही हम यहाँ बैठे बैठे हमारी संपूर्ण इच्छाओं को धामधनी पूर्ण कर देंगे। उसके लिए हमें अपना योग्य साधन को, जो मुख्य साधन है, जो साधना में हमें लगाना चाहिए। साधना का तात्पर्य बैठ करके आँख बंद करके केवल ध्यान करना, ये कोई साधना नहीं है। साधना का तात्पर्य है आध्यात्म मार्ग को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो भी आंतरिक कठिनाई आए उसको दूर करने के लिए जो हम पुरुषार्थ करते हैं, इसी का नाम है साधना। साधना का दूसरा नाम है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ के माध्यम से हम इस कार्य को प्राप्त कर पाएंगे। बिना पुरुषार्थ के हम उस धामधनी की कृपा को भी नहीं समझ पाएंगे। धामधनी ने हमारे पर कैसी कृपा की है, और जाहिर रूप से धामधनी की कृपा यह है, यदि कोई विशेष रूप से बाहरी आपदाओं से घिरा हुआ है तो धामधनी की कृपा से वो कार्य संपन्न हो गया। यदि हमारे ऊपर कोई विशेष व्यवधान आने वाले थे लेकिन धामधनी की कृपा से वो सब व्यवधान हमसे दूर हो गए, ये भी धामधनी की विशेष कृपा है। और धामधनी की कृपा से हमें यहाँ पर जो भी सांसारिक दुख क्लेश आदि से हमें दूर हो जाते हैं धामधनी की कृपा से, ये सब धामधनी की हमारे ऊपर विशेष कृपा है। इसको हमें समझते हुए अपने जीवन में आत्मसत करते हुए कभी भी धामधनी का हमें नहीं भूलना चाहिए। यदि हम इस संसार में बैठे बैठे यदि हम ब्रह्मवाणी को भूल जाते हैं, धामधनी को भूल जाते हैं, सांसारिक कार्य में इतना मग्न हो जाते हैं कि हम धामधनी को याद ही नहीं कर पाते हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। इस प्रकार की भूल हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस भूल के कारण ही हम उस अखंड सुख से वंचित हो जाएंगे, अखंड संबंध से वंचित हो जाएंगे, और हमारा मन मस्तिष्क सब माया के विकारों से ग्रसित हो जाएंगे, जो कम समय में हमें जिस परम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए था वह परम लक्ष्य हम यदि माया में भटकते रहेंगे
तो अनंत जन्मों तक भी हम उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जो हमें यह परम सौभाग्य का समय हमें प्राप्त हुआ है, जो क्षण हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है, जिस धामधनी की कृपा से हमें यहाँ पर यह ब्रह्मवाणी की प्राप्ति हुई है, हमें उसको समझ करके अपने जीवन में आत्मसत करना चाहिए। यही धामधनी की हमारे ऊपर विशेष कृपा है। अब हम चौपाई दोहराते हैं। दया सागर भरपूरन एक बूंद नहीं मीने नीर, एक बूंद नहीं मीने नीर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। चेतो सबे सतवादियो सुनियो सो सतगुरु मुख बाण। चेतो सबे सतवादियो सुनियो सो सतगुरु मुख बाण। धनी मेरा प्रभु विश्व का, धनी मेरा प्रभु विश्व का, प्रगटिया परवान। चेतो सबे सतवादियों सुनियो सो सतगुरु मुखबा। सतवादी नाम के तेलयो कई हुए तरन तारन, सतना छोड़िया कई दुख सए, सोया दिन के कारण, सोया दिन कारण। जे तो सबे सतवादियों सुनियो सो सतगुरु मुक्त दई सब जीवो को, पावे पशु पंखी नर नार, हो शिवराठ ए धन धन, सुख आनंद अखंड अपार, सुख आनंद अखंड अपार। चेतो सबे सतवादियों सुनियो सो सतगुरु मुखबा। नेक करी में इशारत या को आगे हो सी बड़ो विस्तार, थोड़े से दिन में देखोगे वर तसी, जय जयकार वर तसी, जय जय का। चेतो सबे सतवादियों सुनियो सो सतगुरु मुखबा।
कहे महामत ईसु खेले जो तुम माग्या था चित दे कहे महामत ईसु खेले जो तुम माग्या था चित दे देख खेला हंस चलसी घर वाता करसी घर वाता करसी जे तो सबे सतवादियों सतगुरु मुखबा धनी मेरा प्रभु विश्व का धनी मेरा प्रभु विश्व का प्रगटिया परवान हो जे तो सबे सतवादियो सतगुरु मुखबा सुनियो सो सतगुरु मुखबा सुनियो सो सतगुरु मुखबा बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। कोई एक दिन साथ मुँह के जल में लहर बिना पछुटाने कहे श्री महामती प्यारी मोहे वासना न सहुमुख कर्माने न सहुमुख कर्माने। हाँसी का प्रकरण। मेरे साथ सनमंधी चेतियो ए हाँसी का है ठौर। प्रणाम जी सुंदर साथ जी प्राणधार सुंदर साथ जी। अक्षराती धाम धनी श्री राज जी श्री इंद्रावती जी के हृदय धाम में विराजमान होकर के वाणी अवतरण हो रही है और इस कलश हिंदुस्तानी ग्रंथ के अंदर ये प्रकरण संख्या 22 है और इस प्रकरण का विषय ही है हाँसी का प्रकरण। इस संपूर्ण प्रकरण में ब्रह्म सृष्टियां जो इस संसार में आई हैं इस खेल को हाँसी का खेल कहा है। तो इस खेल में आने के बाद क्या क्या ऐसे कारण बन सकते हैं हाँसी के उसके विषय में संक्षेप में प्रकाश डाली गई है कि ऐसा क्या क्या हो सकता है जिसके कारण हाँसी हो सकती है। इसीलिए इस प्रकरण को हाँसी का प्रकरण कहा गया है और फिर उन कारणों से बचने की शिक्षा बचने का की सिखापन इस प्रकरण में दी गई है कि आपने ऐसा क्या किया जिसके कारण आप हाँसी के पात्र बन सकते हैं और उससे आपको सावधान होना है वैसा काम नहीं करना है। तो इस प्रकरण की चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले क्योंकि सामान्य रूप में तो एक परंपरा चली आ रही है कि किसी भी प्रकरण की हम पहली चौपाई उठाते हैं और पहली चौपाई उठा करके आगे चर्चा करना शुरू करते हैं। एक चौपाई या दो चौपाई का हम एक चौपाई और दो चौपाई की चर्चा कर लेते हैं और फिर समय पूरा हो जाता है हम पूरे प्रकरण का भाव नहीं समझ पाते सार नहीं समझ पाते। तो इसलिए आज हम इस प्रकरण के सार को समझेंगे परंपरागत रूप से थोड़ा सा हटते हुए। तो आज हम दूसरी चौपाई से
चर्चा की शुरुआत करते हैं और फिर पहली चौपाई में जाते हैं, क्योंकि इसका इसको अगर हम ऐसे समझेंगे तो मेरे विचार से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। पहली चौपाई से शुरू करेंगे तब भी इतना कोई कठिन नहीं है, लेकिन दूसरी चौपाई से करने पर और अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। कैसे कि दूसरी चौपाई है, साथ जी तुमको उपज्या खेल देखन क्या ख्याल। आप सब वाणी खोल करके अगर देख रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। मैं फिर से बता देता हूँ, प्रकरण संख्या 22 है और पहली चौपाई है मेरे साथ संबंधित चेतियों। तो दूसरी चौपाई में क्या कहा है कि साथ जी तुमको उपज्या खेल देखन का ख्याल। ख्याल अर्थात विचार, इच्छा कह लीजिए, चाहना कह लीजिए, कि आपके मन में खेल देखने का विचार अथवा खेल देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। साथ जी तुमको उपज्या, किसको? आपको। अब खेल शब्द आया है इसमें, इसीलिए मैंने इस चौपाई से शुरू किया। अब मैं खेल का ही एक दृष्टांत देता हूं। मान लीजिए कि एक, चलिए क्रिकेट का दृष्टांत देता हूं। क्रिकेट में दो बैट्समैन होते हैं, एक स्ट्राइक पे होता है अर्थात जो सबसे पहली बॉल खेल रहा होता है, या फिर जो भी बॉल का सामना कर रहा होता है, जिसके हाथ में बल्ला तो वैसे दोनों के हाथ में होती है, लेकिन जो गेंद का सामना कर रहा होता है उसको स्ट्राइकर बल्लेबाज कहते हैं, जो स्ट्राइक पर होता है। दूसरा होता है नॉन स्ट्राइक एंड पर। तो जो स्ट्राइक पर बल्लेबाज खड़ा है बल्ला लेकर के, सामने एक बॉलर आता है, उसके हाथ में गेंद है, लेकिन गेंदबाज देखने में बहुत ही दुबला पतला सा है, ऐसा लगता है कि ये क्या बॉलिंग करेगा, इससे सामने स्टंप तक बॉल पहुंचेगी या बैट्समैन तक बॉल पहुंचेगी भी या नहीं, ऐसा दिखता है वो बॉलर। तो उसको देख करके जो बैट्समैन है, जो स्ट्राइकर एंड पर है, वह अगर ये कहे कि इसकी तो मैं हर गेंद बाउंड्री में पहुँचाऊँगा, हर गेंद पर मैं सिक्सर लगाऊँगा, छक्का लगाऊँगा, तो अब उसने कह दिया, उसकी बात को सबने सुना, उसी के दोस्तों ने भी सुना जो ड्रेसिंग रूम में है, क्योंकि स्टंप के पीछे तो माइक लगी होती है ना, तो सब लोग सुन लेते हैं। उसने ये बोल दिया बड़पन में, बड़बोलेपन में, कि मैं इसकी हर गेंद को छक्का मारूंगा, सीमा रेखा के पार भेज दूंगा सीधे। लेकिन पहले ही बॉल पर वो बोल्ड हो गया अगर, तो क्या होगा? सब लोग उसकी हंसी उड़ाएंगे, है कि नहीं? उसके खुद की टीम के लोग भी, विरोधी तो ठीक है, विरोधी तो कहेंगे कि बड़ा आया था छक्का मारने वाला, उसकी खुद की टीम के लोग भी हंसी उड़ाएंगे, ठीक है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है अब, क्योंकि एक के आउट होने के बाद दूसरे को भी आना है। तो जब दूसरा आएगा उस पर, तो जो नॉन स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज खड़ा है वो कहेगा संभल करके खेलना, ठीक है, क्योंकि ये बॉलर जैसा जितना पतला दुबला दिखता है, जितना कमज़ोर दिखता है, इसकी बॉलिंग वैसे कमज़ोर नहीं है, ऐसे करके वो सावधान करेगा। ठीक इसी तरह से हमारे साथ भी हुआ है। इस माया के खेल में बहुत सारी ब्रह्म सृष्टियाँ फंस गई, सभी सुंदर साथ माया में फंस गए थे। तो वो ब्रह्म सृष्टि जिनको हम इंद्रावती जी कहते हैं, उन्होंने हम सब सुंदर साथ को सावधान किया कि जैसा तुमने सोचा है इस माया को, उतनी कमजोर भी नहीं है ये, और इसकी कमजोरी तो ठीक है, ये तो कमजोर है, लेकिन आप यहां पर ढंग से खेल नहीं पा रहे हैं, आप ढंग से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए आप संभल करके खेलना, ठीक है। अब पुनः पहली चौपाई पर जाते हैं। अब ऐसी अवस्था आई खेल की, खेल देखने की इच्छा हुई, खेल में आए, और खेल में आने के बाद अब हमारी अवस्था ऐसी हो गई जैसा कि हमने उदाहरण में सुना। हमने वादा क्या किया, हर गेंद को बाउंड्री पार भेजेंगे। परमधाम में हमने कहा 100 बेर देखो अजमाए के तो भी ना भूले हम। एक बॉल नहीं राज्य, आप 100 बॉल भी डालोगे हम छक्का मारेंगे। लेकिन पहली ही बॉल पे ब्रज में भी हमने राज्य को भूला, रास में भी भूल गए, और इस जागनी के ब्रह्मांड में भी भूले हुए थे। अब हमें सावधान करने के लिए इंद्रावती जी आई और उन्होंने कहा कि हे मेरे सुंदर साथ जी, आप सावधान हो जाइए, चेतो अर्थात सावधान हो जाओ,
मेरे साथ संबंधी चेतियों, ये हंसी का ठोरी जगह बहुत हंसी की है। इस पर चल करके कहते हैं, हंसी बिना कोई ना रहया, या यार या सिरदार, चाहे कोई सामान्य सुंदर साथ हो, चाहे कोई विशेष कहलाने वाला, प्रमुख कहलाने वाला सुंदर साथ हो, सबकी किसी न किसी रूप में हंसी हो ही है। अब हंसी किस बात की, तो तीसरे चरण में स्पष्ट करते हुए इंद्रावती जी कहती हैं, पियू वतन आप भूल के कहा देखत हो और, पियू वतन आप भूल के कहा देखत हो और, यूं समझ लीजिए कि मैंने क्रिकेट के दृष्टांत से शुरू किया था, चलिए वहीं पर वापस चलते हैं। वो बल्लेबाज कैसे आउट हुआ होगा, ऐसी कल्पना कर लीजिए कि सामने बॉलर है, बॉलर गेंद लेकर के आ रहा है, लेकिन बैट्समैन का ध्यान भटक करके कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऑडियंस में है, कोई खूबसूरत दृश्य देख लिया, चाहे कोई खूबसूरत लड़की देख ली, और बैट्समैन का ध्यान भटक गया तो वो आउट हो गया, ऐसा ही समझ लीजिए। माया ने भटकाया, राज्जी ने गेंद डाली और हम आउट हो गए। कहते हैं पियू वतन आप भूल के, आपने तीन चीज़ों को भूला, सबसे पहले राज्जी को भूला, वतन अपने घर को भूला, और आप अर्थात आपने स्वयं को भी भूला। आप स्वयं को क्या समझ रहे हैं कि हम तो ये शरीर हैं, कोई सोचता है मैं अशोक हूँ, कोई सोचता है मैं फलाना हूँ, कोई फलाना हूँ, सभी लोग अपने शरीर को ही अपना परिचय माने बैठे हैं। इसलिए हम शरीर भाव से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं अभी, और जब तक शरीर भाव से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक आत्मभाव कहाँ से आएगा। कल की चर्चा में भी हमने सुना कि किस तरह से जब तक हमारी आत्मा की मैं खुदी नहीं आती तब तक संसार की मैं समाप्त नहीं होती। उसके लिए क्या है, पहले शरीर भाव से हमें ऊपर उठना पड़ेगा, हमें राज्य को याद करने की आवश्यकता है, अपने घर को और स्वयं को याद करने की आवश्यकता है। ऐसी ही अवस्था अभी आन पड़ी है जैसा कि रामचरित मानस के अंदर और जो टीवी सीरियल्स में रामायण दिखाए जाते हैं। हनुमान जी कैसे थे, उनके अंदर असीम शक्ति थी, लेकिन उनकी शक्ति को याद दिलाने की आवश्यकता पड़ती थी, वो भूल जाते थे समय पर। वैसे ही ब्रह्म सृष्टि, वैसे तो वाणी में कहा ब्रह्म सृष्टि कही वेद ने ब्रह्म जैसी तदोगत, क्या कहा है, ब्रह्म विदो ब्रह्म है व भवति, हमारे भारतीय दर्शनों में वैदिक ग्रंथों में, वेद की मैं बात नहीं कर रहा, यहाँ वाणी में जहाँ भी वेद शब्द आया है उसका मतलब है हिंदू धर्म ग्रंथ, तो उसमें से हमारे वैदिक ग्रंथों में कहा ब्रह्म विदो ब्रह्म है व भवति, ब्रह्म को जानने वाला उसको पाने वाला ब्रह्म की तरह ही हो जाता है, ब्रह्म ही हो जाता है। तो इतनी बड़ी शोभा दे दी, लेकिन हनुमान की तरह ही याद कराने की आवश्यकता है। तो इंद्रावती जी याद करा रही हैं हमारी शक्ति को, हमारे अपने स्वरूप की पहचान कर रही हैं, और कहते हैं कि अपने स्वरूप को भूल करके तुम कहाँ देख रहे हो, क्या देख रहे हो, कहाँ देखत हो और, आप क्या देख रहे हो। और अब अगली चौपाई में पुनः चलते हैं कि साथ जी तुमको उपज्या खेल देखन का ख्याल, आपके दिल में खेल देखने का विचार इच्छा उत्पन्न हुई, और खेल में आने के बाद आपकी अवस्था ऐसी हो गई कि जिस माया का कोई मूल ही नहीं है, जाको मूल नहीं बांधे तिन ए हंसी का हवाल। ऐसा समझ लीजिए कि मेरे सामने कोई व्यक्ति है, ठीक है, मेरे हाथ में कुछ नहीं, मैं खाली हूँ, कोई धागा नहीं, कोई रस्सी नहीं है, लेकिन मैं उसको बांधने का नाटक करता हूँ। मैंने ऐसे चारों तरफ से उसके रस्सी घुमाई, दो तीन बार घुमाया, और उसके बाद मैं ऐसे करके गांठ बांध दी। बाहर से कोई व्यक्ति अगर उसको बुलाता है नाम लेकर के कि भाई साहब चलिए बाहर आइए, थोड़ा सा काम है आपसे, वो कहने लग जाए कि नहीं नहीं मैं तो, मुझे तो यहीं रहना पड़ेगा, मैं बाहर कैसे आ सकता हूँ, अशोक जी ने मुझे बांध रखा है, तो क्या होगा, उसकी हंसी होगी, लोग उसको बेवकूफ़ समझेंगे, अज्ञानी समझेंगे कि इसका तो कोई बंधन तो है नहीं, कोई बंधन ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो बंधा हुआ है। हमारी भी स्थिति ऐसी है, हम भी माया के उन बंधनों में बंधे हुए हैं जिसका कोई मूल ही नहीं है। इसको आगे की चौपाइयों में समझाया गया है, कैसे, कहते हैं माग्या खेल विनोद का तीन फेरे तुम्हारे मन, आपने कैसा खेल मांगा, विनोद का, आनंद की लीला का, आनंद की लीला को कैसे मांगा। अब सवाल ये हो सकता है ना कि हमने तो दुख का खेल मांगा था, यहां पर विनोद के खेल की बात कर रहे हैं, तो दोनों में विरोधाभास क्यों है, वास्तव में विरोधाभास नहीं है। आप
परातम के भाव में थोड़ी देर के लिए रह करके देखिए, क्या आपको पता था कि दुख क्या होता है? आपने दुख का खेल इसीलिए मांगा क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि दुख का मतलब क्या है, जैसे परमधाम में कोई लीला होती है उसी तरह की कोई लीला होगी जिसका नाम दुख होगा। ठीक है, ऐसा ही है ना, इसके अलावा मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। तो माग्या खेल विनोद का इसी को कहा है। वैसे तो दुख का खेल है लेकिन परमधाम में ये थोड़ी पता था कि दुख इस चिड़िया का नाम है, इसीलिए हमने दुख का खेल भी विनोद समझ करके मांगा और इस माया के खेल ने क्या किया, कहते तीन फेरे तुम्हारे मन, आपके मन को फेर लिया है। फेरने का मतलब वो मोड़ दिया है। कहां से मोड़ा? पहले किस तरफ था? हमारी प्रवृत्ति सारी की सारी राज्य की तरफ थी। परमधाम में तो राज्य के अलावा और कुछ है नहीं, तो हमारी सारी प्रवृत्तियां राज्य की तरफ थी। लेकिन इस संसार में आने के बाद हमारे मन की वृत्ति कहाँ पर है? कलश के अंदर ही, वाणी के अंदर एक चौपाई में इस बात को समझाया गया है कि जीवे आत्म अंधी करी मिल अंतस्करण अंधेर, गिरदवाए अंधी इंद्रियां तीन लई आत्म को घेर। कि जीव जिसके ऊपर आत्मा बैठी हुई है, वह जीव मन और, क्योंकि मन इंद्रियों का राजा है, तो मन तथा इंद्रियों के बंधन में फंस जाता है। अब जब जीव बंधन में फंस गया, जीव अंधा हो गया। अब सोचिए कि एक अंधे और लंगड़े की कहानी तो आपने सुनी है कि एक अंधा था और एक लंगड़ा था, लंगड़ा देख सकता था। तो जो अंधा व्यक्ति है उसके कंधे पर लंगड़ा बैठता है और दोनों को चलना होता है, ये कहानी तो आपने सुन रखी है। लेकिन सोचिए कि लंगड़े की जगह पर अंधा हो, मतलब जो चल रहा है वह देख रहा हो, देख पा रहा हो, और जो ऊपर बैठा है वह अगर अंधा हो, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, एक व्यक्ति लंगड़ा भी है और अंधा भी है, एक व्यक्ति की आंखें भी है और पैर भी सही सलामत है। यहाँ पर जीव की अवस्था ऐसी है। मैं आत्मा को अंधा इसलिए कह रहा हूँ सिर्फ दृष्टांत देने के लिए, क्योंकि आत्मा खुद तो इस संसार को नहीं देख रही ना डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से जीव के ऊपर बैठ करके वह संसार को देख रही है। लेकिन मान लीजिए कि जीव ही अंधा हो जाए तो क्या होगा? आत्मा क्या देखेगी? अंधकार ही देखेगी। तो यहाँ अब आप सोच सकते हैं कि जीव अंधा तो नहीं है, जीव माया को देख रहा है, तो यहाँ माया को देखना ही अंधकार को देखना है, क्योंकि माया क्या है? अज्ञानता है। अज्ञानता क्या है? अंधकार है। वाणी में कहा, मोह अज्ञान भ्रमना कर्म काल और शून्य ए नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। तो अब जीव अंधा हो गया इंद्रियों के बंधन में फंस करके। अब सोचिए कि इंद्रियां जिधर जिधर जाती है, अगर इंद्रियां मन का गुलाम है और मन जीव का गुलाम है तो ये सही है, लेकिन जीव अगर मन का गुलाम है और मन इंद्रियों का गुलाम है तो क्या होगा? कि हमारे जीवा को स्वाद पसंद है, वह स्वादिष्ट चीज़ों के चक्कर में फंसेगा। हमारी त्वचा को कोमल स्पर्श पसंद है तो उसके चक्कर में फंसेगा। स्वाद के लिए, कोमल स्पर्श के लिए अच्छे अच्छे मायावी संगीत के चक्कर में फंस करके जीव क्या करेगा? वो बंधन बांध लेगा। एक कोई रस्सी तो नहीं है ना, ये कैसा बंधन है? बिना रस्सी का एक ऐसा बंधन है। ये वैसा ही है जैसे मैंने बीतक के अंदर भी एक दृष्टांत दिया था, बीतक की चर्चा में, कि एक गांव में एक घर में माता और पुत्र रहते थे। तो पुत्र ने एक बार क्या हुआ, खंभे को पकड़ लिया और खंभा छोड़ ही नहीं रहा है। माँ और रोने लग गया। वो खुद उसने अपने हाथ को पकड़ रखा है खंभे को घेर करके। अब वो रोने लगा कि ये खंभा मुझे नहीं छोड़ रहा है। अब माँ ने देखा, माँ भी रोने लगा कि मेरे बेटे को खंभे ने पकड़ लिया। माँ बेटे का रोना सुन करके गांव के सारे लोग आ गए। अब वो भी रोने लग गए कि हमारे गांव के बच्चे को पकड़ लिया। सब दुखी हो गए, परेशान हो गए। घर के बाहर पूरा भीड़ लगा हुआ है। तो एक साधु वहां से गुजरे। साधु ने देखा कि ये तो बच्चे ने खंभे को पकड़ लिया है, इसको छुड़ाने का उपाय उनके पास था। वो बेर लेकर के आए
फल बेर का, और ला करके बेटे को कहा कि बेटा बेर खाना है, उसने कहा हाँ। तो उन्होंने दो अंजुली में भर करके उन्होंने दिया बेर, तो बेर को हाथ में लेने के लिए उसने खंबा को छोड़ा और फिर बेर पकड़ लिया। सब खुश हो गए कि महात्मा जी तो बड़े चमत्कार हैं, लेकिन महात्मा जी मन ही मन हंस रहे थे, इसी तरह की हंसी हमारे ऊपर होनी है कि हमने माया को पकड़ रखा है। ऐसा कोई बंधन नहीं है, कोई रस्सी नहीं है, कोई डोरी नहीं है जो कि हमें बांध रही है। ये तो सिर्फ एक विकारों का बंधन है, इंद्रियों की वासनाओं का बंधन है जिनके चक्कर में हम बंधे हुए हैं। ऐसा अलग से कोई बंधन नहीं है, इसलिए हंसी का खेल है। और इस बंधन ने क्या कर दिया, इन इंद्रियों के बस में होकर के कहते तीन फेरे तुम्हारे मन, आपके मन को राज्य से विमुख कर दिया। किरंतन के अंदर इंद्रावती जी कहती हैं कि पिया ऐसी निपट में क्यों भई, कठिन कठोर अति ढीठ, श्री धाम धनी पहचान के फेर फेर देत में पीठ। कि मैं आपकी पहचान, ज्ञान दृष्टि से पहचान किसको नहीं है, सुंदर साथ में बहुत सारे ऐसे हैं, और सभी सुंदर साथ ज्ञान से तो जानते हैं कि निराकार के पार थे तीन पार के भी पार, वतन पता है, पीयू कौन है, तो हम कहते हैं कि राजी हमारे पीयू हैं और उनकी पहचान इस तरह से इस संसार में हुई है, ठीक है। स्वरूप का हमें पता है, हम कहते हैं स्वरूप सुंदर सन कोल सकमल, लीला का हमें पता है, फिर हम परमधाम की ब्रह्म सृष्टियाँ वो भी हमें पता है। तो ये सब कुछ ज्ञान दृष्टि से पता होने के बावजूद भी माया ने हमें माया ने हमें ऐसा बना दिया कि हम जानबूझ करके ज्ञान दृष्टि से पहचानने के बावजूद भी राज्य को भुलाए हुए हैं। इसलिए कहते हैं सो सब तुमको विसरे जो कहे मूल वचन, परमधाम में जो हमने वचन कहे थे राज्य से और ब्रह्म सृष्टियों से, दो वचन है। राज्य से कहा था 100 बार देखो अजमाए के तो भी ना भूले हम, और ब्रह्म सृष्टियों को कहा था कि अगर मैं भूली तो तुम जगाना, तुम भूली तो मैं जगाऊंगी। दोनों वचन हम भूल गए, माया ने हमें ऐसा कर दिया। और ये माया का नशा ऐसा है, कैसा है, कहते हैं गूंथो जाली डोरी बिना, हम ऐसे जाली में फंस गए हैं कि इस जाली में कोई डोरी नहीं है। वैसे तो जाली बिना डोरी के नहीं बनती है ना, बिना धागे के बिना डोरी के कोई जाली नहीं बनती, लेकिन आपने ऐसा जाल बना रखा है। कैसा जाल, कि एक परिवार का जाल है, कुटुंब का जाल है, मित्रों की मंडली का जाल है, इस जाल में कोई डोरी है नहीं। हमारे घर परिवार वालों ने हमें कोई रस्सी से तो नहीं बांध रखा है, रस्सी से तो जानवर बांधे जाते हैं ना, इंसान तो रस्सी से नहीं बनता। तो हम किसके कौन से जाल में फंसे हुए हैं, मोह के जाल में। मैं सभी परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ, दो तरह के परिवार के लोग होते हैं। एक माँ ऐसी होती है मदालसा की तरह, जो अपने बेटे को कहती है कि शुद्धों से बुद्धों से, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, चेतन है, तू ये शरीर नहीं है। और एक माँ ऐसी होती है जो बेटे को मायावी कार्यों में प्रवृत्त करती है। तो इससे सारे दृष्टांत को आप समझ लें। एक मित्र ऐसा होता है कि अगर वह मित्र, अगर दूसरा मित्र गलत काम कर रहा है, अगर वह माया की तरफ जा रहा है, तो कान पकड़ करके उसको डांटता है, फटकार लगाता है और राज्य की तरफ प्रेरित करता है। और एक मित्र ऐसे होते हैं जो अपने मित्र को सिगरेट देते हुए कहते हैं एक बार ले लेना क्या हो जाएगा। दो तरह के मित्र हैं, भाई बहन भी दो तरह के हैं। एक भाई ऐसे हैं जो गोवर्धन ठाकुर की तरह हैं, मिहिरराज जी को जागने के कार्य में लेकर के जाते हैं, प्रेरित करते हैं। और एक भाई ज्ञान दृष्टि से जागने से पहले सांवला ठाकुर की तरह हैं, जो चर्चा सुनने जाने वाले भाई को कहते हैं तुम दोनों भाई बिगड़ चुके हो। बहनें भी इसी तरह की होती हैं। कुछ बहनें ऐसी होती हैं जो अपने भाई को जागने के लिए, राज्य की सेवा के लिए प्रेरित करती हैं, कहते हैं कि भाई तू जागने के कार्य में तत्पर रहना, धर्म की सेवा में तत्पर रहना। और कुछ बहनें अपने भाइयों को फोन करके बुलाती हैं कि भाई तेरी बहुत याद आ रही, तू माया में वापस आ जा, तू हमारे घर वापस आ जा, तू चला गया तो हम राखी ढंग से नहीं मना पा रहे, दिवाली हम ढंग से नहीं मना पा रहे। और कुछ बहनें ऐसी हैं जो कहते हैं कि संसार में बहुत सारी ऐसी बहनें हैं, मैं अकेली तुम्हारी बहन नहीं, और संसार की सभी बहनों का तुम्हें कल्याण करना है। तो दो तरह के लोग हैं, एक जाली बनते हैं और दूसरे परिवार के लोग जाली को हटाने का काम करते हैं। तो जाली कौन है यहाँ पर, जो मोह के माया के बंधन में डालने वाले हैं। अब कहते हैं गूंथो जाली डोरी बिना, आप बांधत हो अंग, आप अपने अंतस्करण को, अपने इंद्रियों को इसमें बांधे हो। और फिर कहते हैं अंग बिना तलफत हो, आप बिना अंग के तड़प रहे हो, इस संसार में आप दुखी हो रहे हो ना।
कैसे दुखी हो रहे हैं? आपके आपका अंग यहाँ पर है, ये हाथ अशोक है या ये हाथ मेरा है? ये नाम जो रखा गया है, मैं यहाँ पर उदाहरण देने के लिए कह रहा हूँ कि मेरा नाम अशोक है, लेकिन ये नाम भी मेरा नहीं है, मैं कौन हूँ? ये हाथ मेरा नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है, तो ये अंग मेरा कैसे हुआ? हमारे मूल तन तो परम धाम में है, इसी को कहा अंग बिना तलफत हो। आपके अंग यहाँ पर नहीं है, फिर भी आप इसी अंग को अपना मान करके तड़प रहे हो। ये वैसा ही है जैसे आप कोई डरावनी पिक्चर देख रहे होते हैं, या कोई ऐसा सामान्य पिक्चर भी देख रहे हो जहाँ पर अगर हीरो को अथवा नायक को कोई छुरा भोंकता है तो आप अपने पेट को सिकुड़ते हैं, ऐसा लगता है कि आपको वो छुरा मारा जा रहा है। कोई डरावनी पिक्चर देखते हैं, अगर पीछे से कोई अगर भूत दिखाई पड़ा तो आप यहाँ पर डर रहे होते हैं, जबकि आपके अंग उस पिक्चर के अंदर नहीं घुसे हैं, आपके उस स्क्रीन के अंदर नहीं घुसे हैं। इसी तरह से आपके मूल तन, आपका मूल अंग तो परम धाम में है, लेकिन इस संसार में जो शरीर आपने धारण किया, आप शरीर के भाव से भावित हुए हैं, इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि यही मेरा अंग है, इसलिए आप तड़प रहे हैं। कहते हैं अंग बिना तलफत हो ऐसे खेल के रंग, ये खेल का रंग ही कुछ ऐसा है कि इसमें सब लोग रंगे जा रहे हैं और अपने आप को इस माया के जीव की तरह समझ रहे हैं। वाणी में क्या कहा, तुम आइया छल देखने, भील गईया माहे छल। आप अपने आप को माया में डाल चुके हो, माया में आप मिल चुके हो, तो ये हमारी ऐसी अवस्था है। और अगली चौपाई में कहते हैं अमल चढ़िया जानो जहर का। कहते हैं आप बंधाने आप सो इन कोहेड़े अंधेर। आप अपने आप ही इस अंधेरे, एक तो अंधेरा है, आज रात को ज़्यादा अंधेरा नहीं है वर्तमान में, लेकिन जब दिसंबर अथवा जनवरी की सर्द रात होती है और जब धुंध है, फॉग है बाहर, तो रात्रि का अंधेरा अलग से अमावस्या की रात्रि है अंधेरा और ऊपर से धुंध है तो वो और अंधेरा है। इसी तरह से यहाँ कह रहे इन कोहेड़े अंधेर, ये माया का अंधकार ऐसा है कि एक तो माया का अंधकार, ऊपर से मोह का अंधकार, फिर अज्ञानता का अंधकार, ठीक है, तो ये दोनों मिलकर के ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा तालमेल बनाते हैं कि घुप अंधकार हो जाता है, हाथ को हाथ नहीं सूझता है और ये माया का नशा ऐसा चढ़ जाता है। कहते हैं अमल चढ़िया जानो जहर का। देखिए एक तो जहर है, सामान्य जहर, विष, पॉइजन। जब जहर चढ़ता है तो ऐसे व्यक्ति को क्या करते हैं, जगाए रखते हैं हम, डॉक्टर अथवा वैद्य उनको जगाए रखते हैं जब तक औषधि चल रही, जब तक दवाई का काम चल रहा, तब तक उसको कहते हैं कि इसको सोने मत देना। सांप किसी को काट लेता है तो मिर्ची खिलाते हैं, नीम खिलाते हैं कड़वा, ठीक है, और उसको सोने नहीं देते हैं, कहते हैं कि अगर सो गया तो फिर वो मर जाएगा, विष का असर इतना जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो सोचिए वो तो एक सामान्य जहर हो गया, लेकिन ऐसा जहर हो जो जहर के साथ साथ में नशा भी हो तो क्या होगा? नशे से तो स्वयं फिर उसकी आँख लग जाएगी ना, नींद आने लग जाएगी। तो माया का नशा ऐसा है कि नशा भी है और ऊपर से जहर भी है, मदमस्त भी करने वाला है और मारने वाला भी है, तो इससे बचने का तो उपाय ही संभव नहीं है। इसीलिए कहते हैं हमारी अवस्था ऐसी हो गई कि अमल चढ़िया जानो जहर का, फिरत वाही में फिर और माया के चक्कर में, इंद्रियों के जीव के चक्कर में फंस करके, मन के चक्कर में फंस करके, बस उन्हीं माया के परिवार के परिवार का जो बंधन है उसी चक्कर में बंधते रहते हैं। अब क्या होगा, आज जो सुंदर साथ 20-22 साल के हैं, जब वो बच्चे रहे होंगे तो उनके माता पिता उनके चक्कर में थे, उसके बाद क्या होता है मैं एक चक्र बताता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिकल वे में बता रहा हूँ, ठीक है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके माता पिता उसके चक्कर में फंसते हैं, फिर वो बच्चा जब 15-16 साल का हो जाता है तो उस बच्चे को क्या लगता है कि उसके दोस्त अथवा अगर लड़की है तो उसकी सहेलियाँ, उसके मित्र सबसे प्रिय लगने लगते हैं, अब माता पिता से उसका मोह थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। अब उसको अगर दोस्तों के पास जाना है, माता पिता ने रोक लिया तो माता पिता के प्रेम के बंधन में बंध करके हाँ जी मम्मी जी, हाँ जी माता जी, ऐसा नहीं करता, उसको गुस्सा आता है कि मेरे दोस्तों के साथ जाने से ये क्यों रोक रहे हैं, दोस्त का प्यार थोड़ा और ज़्यादा होता है। उसके बाद क्या होता है, आज समाज में देखते हैं धीरे धीरे एक लड़की है अथवा एक लड़का है, अगर लड़का को लड़की मिल जाती है
प्रेम प्रसंग अफेयर होता है और लड़की को कोई लड़का मिल जाता है तो फिर वो सहेलियों से थोड़ा और कट जाती है, लड़के अपने मित्रों से और कट जाते हैं, तो क्या होगा? अब माता पिता से छूट करके मित्रों में आए, फिर मित्रों से छूट करके प्रेमी प्रेमिका में गए, फिर उनका विवाह हुआ, विवाह होने के कुछ समय के बाद में उनकी संतान हो जाती है, संतान होने के बाद में अब दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए कम और संतान के लिए ज़्यादा हो जाता है, और फिर संतान फिर बड़ा होता है और संतान वैसा करने लगता है। कोई बंधन तो नहीं है रस्सी का, लेकिन उस बंधन में बंधते और उसी चक्कर में चलते रहते हैं। अब जीव तो कोई नए नहीं बन रहे ना, वही जीव बार बार जन्म ले रहे हैं, तो उस परिवार के कुटुंब के मोह में बंध करके ये चक्र चलता रहता है। एक कहावत कही जाती है नेपाल में, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूँ, कहते हैं कभी सास की बारी कभी बहू की बारी आती है, ठीक है, हिंदी में भी कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। तो इसी तरह से ये चक्र चलता रहता है, कभी किसी की बारी आती है, कभी किसी की बारी आती है। इसको कहा फिरत वाही में फेर, इस फेर में, इस चक्र में लोग फिरते रहते हैं, जीव फिरते रहते हैं। और ये कैसे पता चले कि नशा चढ़ा हुआ है? ऊपर हमने पढ़ा ना, अमल चढ़ा जानो जहर का, तो ये अमल चढ़ रहा है, नशा चढ़ रहा है, इसका पता कैसे चले? आप कैसे पता करते हैं? अगर कोई व्यक्ति नशे में धुत है तो आपको कैसे पता चलता है कि वो कैसे चल रहा होता है? उसकी चाल से पता चलता है ना, उसकी उसके पैर खुद फिसल रहे होते हैं, जबकि वो जमीन चिकनी नहीं होती है, फिर भी उसमें वो फिसल रहा होता है, वो गिर रहा होता है। तो इंद्रावती जी अगली चौपाई में कहते हैं अमल चढ़िया क्यों जानिए, कोई फिसले कोई गिरे। ये कैसे पता चले कि इसको नशा चढ़ा हुआ है? तो पता कैसे चलता है, कोई फिसलता है कोई गिरता है। इसी तरह से मायावी जो नशा है, मायावी नशे में क्या होता है, कोई राज्य के ईमान से थोड़ा सा फिसल जाता है और कोई तो गिर ही जाता है, गिर करके दुनिया के दूसरे देवी देवताओं की पूजा करने लगता है, उनकी भक्ति करने लगता है, उसको कहा गिरना ईमान से, ठीक है। और क्या करता है, कोई मीने जाग के कर पकड़ सीढ़ी चढ़े, अगर सीढ़ी ऐसी है जो फिसलन भरी है तो जो जिसके पास विवेक होगा वो क्या करेगा, सीढ़ी को पकड़ करके आराम आराम से चलेगा अपने विवेक का प्रयोग करके। उसी तरह से कुछ सुंदर साथ ऐसे हैं जो जागनी रूपी सीढ़ी में विवेक रूपी हाथों के द्वारा पकड़ करके आराम आराम से चलते हैं और जागनी की राह में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। और अब वो जो सीढ़ी है ऐसी है, मान लीजिए एक उदाहरण, क्योंकि सीढ़ी की बात आई तो मैं सीढ़ी का उदाहरण देता हूँ। घोर अंधकार है, लाइट नहीं है, आपके हाथ में टॉर्च नहीं है, आप छत से नीचे उतर रहे हैं, ठीक है, 10 सीढ़ी नीचे उतरने के बाद आप जमीन के लेवल पर पहुंचते हैं, ठीक है, 10 सीढ़ी नीचे उतरने के बाद अब आप 8वीं सीढ़ी पर अभी खड़े हैं, लेकिन आपको अनुमान नहीं हुआ, आपको ऐसा लगा कि अब मैं आखिरी सीढ़ी पर हूँ, तो आप क्या करेंगे, अनायास ही आप ये सोचेंगे कि अब तो सीधे जमीन है और आप पैर रखेंगे तो आप लड़खड़ा करके गिर जाएंगे, ठीक है। उसी बात को यही उदाहरण देते हुए कहते हैं एक गिरे पगथी बिना, पगथी कहते हैं सीढ़ी को, तो बिना सीढ़ी के वो सीढ़ी समझ करके पैर रख लेता है और गिर जाता है, और उसको उठाने के लिए कहते हैं वाको दूजी पकड़े कर, दूसरी सखी, एक ब्रह्म सृष्टि गिर जाती है लेकिन उसको उठाने के लिए, उसको गिरने से बचाने के लिए दूसरा उसका हाथ पकड़ लेते हैं, और ऐसी अवस्था में क्या होता है, दोनों गिर जाते हैं। ये कैसे सुंदर साथ में, मैं एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, व्यवहारिक, ऐसा वास्तव में होता आया है। कई बार सुंदर साथ आते हैं हमसे मिलने के लिए, तो कुछ सुंदर साथ ऐसे होते हैं जो कहते हैं महाराज जी अथवा महात्मा जी, हमें तो तवे पर राज्य दिखते हैं, तवा होता है ना रोटी बनाने वाला, कहते हैं हमें तो तवे पे महाराज जी दिखते हैं। कुछ सुंदर साथ ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम तो साइकिल चला रहे होते हैं तब भी राज्य का दर्शन हो रहा होता है, हमें चित्त नहीं कर रहे होते, हम ध्यान कर रहे होते हैं। कुछ सुंदर साथ ऐसा कहते हैं कि हम गाड़ी चला रहे होते हैं तब भी हम ऐसा मानते हैं कि राज्य हमारी गाड़ी चला रहे हैं। ये क्या है, ये भावलीनता है, या आपने भाव ले लिया सिर्फ, एक तरह से ये कल्पना ही है, इसको आप धारणा समझ लीजिए। कुछ हद तक ये लाभदायक है कि आपके अंदर मायावी विकार नहीं आएंगे, लेकिन आपने उसी को सर्वस्व समझ लिया, धारण से आगे ध्यान तक अगर नहीं पहुंच पे तो क्या होगा, आप और घोर अंधकार में चले जाएंगे।
आपको ऐसा लगेगा कि मैंने तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली है, आप उसी को ब्रह्म प्राप्ति समझ लेंगे, राज्य की प्राप्ति समझ लेंगे, आप उसी को अंतिम अवस्था समझ लेंगे। तो क्या होगा, आप फिसल गए, है ना, आप फिसल गए। और दूसरा सुंदर साथ जो आपको संभालने के लिए जाएगा कि सुंदर साथ जी आपको ऐसे करना चाहिए, लेकिन आपने अपना अधूरा ज्ञान और आपने अपना अधूरा अनुभव उस सुंदर साथ को बताया, तो क्या होगा, कई बार क्या होता है, ऐसा होता आया है समाज में कि वो सुंदर साथ भी आपकी मीठी मीठी बातों में बहक करके सही रास्ते से भटक जाते हैं और वो भी गिर जाते हैं। इसको कहा कि जो दूसरी पकड़ती हैं, कहते हैं सो खाए दोनों गढ़ थले, मतलब दोनों लड़खड़ा करके गिर जाती हैं और ए हंसी है या पर, इस तरह से सुंदर साथ की दोनों की हंसी होती है। अब जो गिर गए तो क्या हुआ, उसके बाद की स्थिति फिर बता रहे इंद्रावती जी कि एक पड़ी जिमी जान के, कि एक ब्रह्म सृष्टि अथवा एक सुंदर साथ गिर गई, जमीन पे पड़ी हुई है। तो ऐसा जान करके दूसरा सुंदर साथ उसको समझाने के लिए, ठीक है, उसको उठाने के लिए जाते हैं। इसका मतलब क्या कि एक का ईमान राज्य से भंग हो गया और फिर से देवी देवताओं की उपासना करने लगे। और ऐसा भी हुआ है, कई बार क्या होता है, लोग तारतम ले लेते हैं, तारतम लेने के बाद उनके घर में ऐसा कोइंसिडेंस होता है, मतलब इसको क्या कहेंगे, संयोग होता है। ऐसा संयोग होता है कि तारतम लेने के बाद उन्होंने देवी देवताओं की अथवा वो जिसको कुल देवी या कुल देवता कहते हैं उनकी पूजा छोड़ दी। उसके बाद क्या हुआ, अचानक से उनके घर में कोई बीमार पड़ गया। बीमारी पड़ने के पीछे कारण ये नहीं है कि आपने कुल देवता या कुल देवी की पूजा छोड़ दी, हो सकता है आपके खाने पीने में कोई दिक्कत हो, ठीक है, या आपको पहले से मच्छर ने काट रखा हो और कुछ दिन के बाद आपको मलेरिया होता है, या किसी तरह से आपने गलत खराब पानी पी लिया तो टाइफाइड हो जाए। अब क्या होता है, जिन्होंने तारतम नहीं लिया है अभी, जिन्होंने राज्य की पहचान नहीं की है, वो ऐसे सुंदर साथ को क्या कहते हैं, जो नया नया बना है, उनको डरा देते हैं कि आपने तो हनुमान जी का व्रत छोड़ दिया, आपने देवी की मूर्ति को आपने हटा दिया, आपने कुलदेवी अथवा कुलदेवता की पूजा नहीं की, इसलिए ये देवता आपसे रूठ गए, नाराज हो गए, इसलिए आपका बच्चा बीमार हुआ है। उनको लगता है कि हाँ भाई बात तो सही है, तो अब उन्होंने राज्य को छोड़ दिया। अब क्या हुआ, दूसरा सुंदर साथ जो थोड़ा सा इससे पुराना है, लेकिन उनको भी राज्य की पूरी पहचान नहीं हुई, तो ये उनको समझाने के लिए आते हैं। जिन्होंने राज्य को छोड़ दिया था उनको समझाने के लिए आते हैं, प्रबोधित करने के लिए कि आपको ईमान नहीं छोड़ना चाहिए था राज्य से। तो अब क्या करेंगे, ये व्यक्ति जो ईमान छोड़ चुके हैं और जो देवी देवताओं की पूजा फिर से करने लग गए, ये उल्टा समझाएंगे कि देखो हमने तो तारतम लिया था, हमने कुल देवी कुल देवता की पूजा छोड़ दी थी और हमारे बच्चे बीमार हो गए, इसलिए हमें ये ऐसा करना पड़ा। तो अब ये जो थोड़ा सा पुराना था ये भी सोचने लग जाएगा कि ऐसा तो हमारे साथ भी हुआ है, हमारे घर में भी आजकल थोड़ी सी परेशानी आ रही है, तो हो सकता है कि यही कारण हो, तो चलो मैं भी इनकी तरह वापस देवी देवताओं की पूजा करने लगता हूँ। तो ऐसा होता है। चौपाई कह रही है, एक पड़ी जिमी जान के वाको दूजी उठावन जाते, दूसरा सुंदर साथ उनको उठाने के लिए अगर जाते हैं तो ऐसा होता है कि उलट पड़ी सो उल्टी, वह भी गिर जाती है, वह भी उल्टी हो जाती है, एक खेल है या भांत। ये खेल इस तरह का है, ये खेल इस तरह का है कि यहाँ कोई समझाने जाए तो भी, ऐसा समझ लीजिए कि इतना तेज प्रवाह चल रहा है। कलश के अंदर ही ये उदाहरण दिया गया है शुरुआती प्रकरणों में कि ये भवसागर का प्रवाह, वैसे तो कोई पानी नहीं है, सिर्फ नाम का भवसागर है, इसमें पानी नहीं है। इसमें भी कहा है, 9 नंबर की चौपाई है जिसमें कहा, जल बिना भवसागर या में गलचुए खाए, तो भवसागर में पानी तो नहीं है लेकिन इसका प्रवाह इतना तेज है। नदी में बहने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप नदी में अगर जाएंगे, आप दोनों पैर डालेंगे तो आप बहेंगे, सिर्फ आपने एक पैर सिर्फ छुआ है तो आप नदी में नहीं बहेंगे। लेकिन भवसागर का प्रवाह तो इतना तेज है, जैसे गोविंद भेड़े का उदाहरण हमने सुना ना, कि माया की गोविंद भेड़े की मंडली में किसी वस्तु को छू भी लेते थे तो वो भी उसी मंडली में शामिल हो जाते थे, वैसे ही इस माया का प्रवाह इतना तेज है। कहते हैं कि यहाँ सिर्फ नाखून से भी उस प्रवाह को टच कर लेना कोई, तो इतना तेज प्रवाह है कि उस पूरे शरीर को बहा करके लेके जाते हैं। अब सोचिए कि जो पूरे बहाव में पूरे तीव्रता के साथ में कोई बहता जा रहा हो, उसको कोई दूसरा व्यक्ति पकड़ ले तो क्या होगा, उस फोर्स के साथ में दूसरा भी चला जा सकता है, ऐसी अवस्था है। उसके लिए क्या चाहिए, पहले हम बाहर जोरदार खंभे को पकड़ लें,
खंभा क्या है? राज्य के प्रति दृढ़ विश्वास। और उस खंभे को पकड़ करके फिर अगर हम किसी को पकड़ेंगे तभी हम उसी को उबार पाएंगे, तभी हम उसी को नदी से बाहर अथवा भवसागर से बाहर निकल पाएंगे। अगर हमारा खुद का ईमान कच्चा हो तो क्या होगा, कोई नई नई बात सुन लेंगे, वाणी के विरुद्ध में कोई बात सुन लेंगे, राज्य के विषय में, प्राणनाथ जी के विषय में कोई अगर हम उठपटांग बात सुन लेंगे तो ऐसा लगेगा कि ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति सच कह रहा है। आपने ढंग से वाणी पढ़ी नहीं, आपने ढंग से धर्म ग्रंथों को पढ़ा नहीं, आपको धर्म का अर्थ ही नहीं पता, और आप फिर क्या करने लग जाएंगे कि हाँ ये सही कह रहे हैं। फिर आप क्या करने लग जाएंगे, आप अपनी ही बातों की खंडनी करने लग जाएंगे। इसको ईमान नहीं कहते। तो इसलिए हमें दृढ़ रहने की ज़रूरत है। अगर हम इस दृढ़ता से हटे तो क्या होगा, हमारी हंसी होगी, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिस पर चल करके हम निज आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, जिसको हम निजानंद संप्रदाय कह रहे हैं ना, निजानंद दर्शन कह रहे हैं। तो वाणी ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिस पर चल करके हम वैश्विक विश्व शांति की कामना और विश्व शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। अंत में सबको आना इसी ओर है, लेकिन पहले आए, आकर के वापस चले गए, और जाने के बाद कुछ समय के बाद में ऐसा हुआ कि फिर से वापस आए तो क्या होगा। मान लीजिए, ऐसा समझ लीजिए कि एक ट्रेन है दिल्ली जाने वाली, ठीक है, सहारनपुर में आप उस ट्रेन के पास में आते हैं, अंदर जाकर के पूछते हैं कि भाई साहब ये ट्रेन कहाँ जाएगी। सब लोगों ने कहा दिल्ली जानी है, आपको भी जाना दिल्ली है। लोगों ने कहा कि भाई साहब ये ट्रेन तो दिल्ली ही जा रही है, आपको विश्वास नहीं हुआ। आप उतर गए, कहते नहीं भला ये ट्रेन दिल्ली कैसे जा सकती है। आप उतर गए और दूसरी ट्रेन ढूंढने लग गए। आप इंक्वायरी में गए, इंक्वायरी में जाकर के पूछते हैं कि भाई साहब दिल्ली जाने वाली ट्रेन कौन सी है। तो इंक्वायरी वालों ने कहा कि जो ट्रेन अभी चलने वाली है, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे खड़ी है, ये दिल्ली जाने वाली है। आप दौड़ते हुए आए, अब ट्रेन चालू हो चुकी है, दौड़ते हुए आए, और आए तो आप अंदर घुसने के चक्कर में अपना सामान भी अंदर नहीं ले पाए, आप अंदर तो घुस गए। अब क्या होगा, आप वापस उसी डिब्बा में पहुंचे हैं जहां पर आपने पूछा था, तो क्या होगा, आपकी हंसी होगी ना कि हमने तो भाई साहब आपको पहले ही कहा था कि ये ट्रेन दिल्ली ही जाएगी, लेकिन आप नहीं माने तो क्या होगा, हमारा क्या दोष है। आपकी हालत भी ऐसी हो सकती है। इसीलिए ये तो हंसी वाली बात हो गई, लोग हंसी उड़ाएंगे कि कितना बेवकूफ़ था, ट्रेन में घुस के भी वापस चला गया। तो इसी तरह से आप अपने ईमान को दृढ़ रखिए, और ऐसा नहीं मेरे कहने से मत रखिए दृढ़, कोई भी व्यक्ति कहे तो आपको ये मानने की ज़बरदस्ती मानने की ज़रूरत नहीं है, आपके ऊपर कोई थोप नहीं रहा है। वैसे भी धर्म सहिष्णु देश कहलाता है, आज समस्त संसार में अपनी बात कहने की आज़ादी है, अपना सिद्धांत मानने की आज़ादी, आप कुछ भी माने कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो एक वास्तविकता बता रहा हूँ, और वास्तविकता की पहचान करने के लिए आप धर्म ग्रंथों को स्वयं पढ़िए, ज्ञान स्वयं ग्रहण कीजिए, और उसके बाद इस सत्यता को अगर स्वीकार करेंगे तो ठीक है, अन्यथा फिर वापस उसी ट्रेन के यात्री की तरह हंसी होनी है। इसीलिए कलश ग्रंथ के इस प्रकरण को आप अगर पढ़ें, समझें इस चर्चा के द्वारा, तो कृपया अपनी हंसी ना होने दें। इंद्रावती जी कहती हैं कि पर ए हंसी सुहागनी जिन कराओ कोई, इस माया के ब्रह्मांड में हंसी नहीं कराना, अपनी हंसी नहीं कराना। बड़े बड़े वादे किए परमधाम में, उन वादों को थोड़ा पूरा करके दिखाना। इसीलिए मेरा सभी सुंदर साथ से ये आग्रह है, सभी सुंदर साथ से ये प्रार्थना है कि अपनी हंसी ना करें, राज्य के प्रति ईमान में दृढ़ रहें। जो माया की तरफ जा रहे हैं उसको भी कोशिश करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप खुद भी उसमें कूद जाएं। बाहर अपने ईमान को दृढ़ रखिए, ब्रह्मवाणी को पकड़िए, ब्रह्मवाणी को पढ़िए, प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान कीजिए, और आप उसको सहारा दीजिए। हाँ, कोई जानबूझ करके माया में जाना चाहे तो क्या किया जा सकता है भला। हमारे एक कहावत है कि जो अगर खाई की तरफ कूदने जा रहा हो तो उसको कंधा आप नहीं दे सकते, आप दूर से राम राम ही कह सकते हैं। आप बचाने की कोशिश कीजिए ज्ञान दृष्टि से, लेकिन खुद मर जाए ऐसा मत कीजिए, ठीक है, खुद उस प्रवाह में मत जाइए। ये मेरा सभी सुंदर साथ से आग्रह है कि कलश के इस प्रकरण से इंद्रावती जी जो हमें सावधान करें, सावचेत कर रही हैं, तो हम सभी सुंदर साथ सावधान हो जाएं, सावचेत हो जाएं, और जागनी के लिए सभी अपना योगदान दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।